Good morning everyone. Let's start with solid state. Now guys, बहुत interesting topic है ये, ठीक है? solid state. And इसमें तुम लोगों को hardly एक formula है जो याद करना है, बाकी सारे trigonometry के rules हैं simple, ठीक है? तो solid state में हम लोग obvious है किसके बारे में पढ़ेंगे, तो solids के बारे में पढ़ेंगे. अब यूजुअली हम लोग तीन स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं. एक रहती है गैसियस, जो तुम लोगों ने 11th में पढ़ लिया है. दूसरी है लिक्विड, जो तुम लोगों ने फिजिक्स में अभी तक पढ़ लिया होगा. अगर नहीं पढ़ा होगा तो तुम लोग फिजिक्स में पढ़ोगे भी. एंड थर्ड वन इज सॉलिड, ठीक है, जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले कुछ सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. मुझे बताओ गाइस, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स अगर किसी ने तुम लोगों को पूछा तो तुम लोग क्या बोलोगे? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या रहती है? करेक्ट बोल रहे हो. तो फर्स्ट वन इज दे आर वेरी रिजिड, ठीक है, दे आर वेरी रिजिड. अब रिजिड बोलने के बदले कैन आई से दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है. अब मुझे बताओ इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस इनके बीच में बहुत बड़ा रहता है, बहुत छोटा रहता है? इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस बहुत छोटा रहता है, तो वेरी स्मॉल इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस. ये हम लोगों ने गैसियस स्टेट में लिखा था, वेरी स्मॉल इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस. जब 11th में हम लोगों ने गैसियस स्टेट पढ़ा है तभी मैंने तुम लोगों को सॉलिड लिक्विड गैस इन तीनों के बीच का डिस्टिंग्विश बताया था. उस टाइम पे भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज लिखी थी एंड अभी हम लोग वापस रिवाइज कर रहे हैं, नथिंग एल्स. नाउ टेल मी गाइस, इफ आई स्टार्ट कंप्रेसिंग दिस पेन, ठीक है, दिस इज अ सॉलिड, इफ आई स्टार्ट कंप्रेसिंग दिस पेन विल इट गेट कंप्रेस्ड? दीज आर कंप्रेसिबल और नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल. सो यप, नो, दे विल नॉट गेट कंप्रेस्ड. सो देयर कंप्रेसिबिलिटी इज नेग्लिजिबल या फिर नॉट कंप्रेसिबल, ठीक है, ओके. अब आगे मुझे बताओ फोर्थ प्रॉपर्टी, वॉट अबाउट इलास्टिसिटी की हम लोग यहाँ पे बातें नहीं करेंगे. तो मुझे बताओ वॉट अबाउट देयर शेप एंड वॉल्यूम, डू दे हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम? डू दे हैव फिक्स्ड? करेक्ट बोल रहे हो. कुछ लोग मेलेबिलिटी और डक्टाइल बोल रहे हैं तो वो मेटल की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है. तो दे हैव फिक्स्ड और डिफाइनाइट फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. इनका शेप और वॉल्यूम यूजुअली चेंज नहीं होता, ठीक है, ओके. अब फिफ्थ प्रॉपर्टी, वॉट अबाउट देयर काइनेटिक एनर्जी? मुझे बताओ इनके एटम्स में डू दे हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी और वेरी लो काइनेटिक एनर्जी? वेरी लो काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट बोल रहे हो. तो वेरी वेरी लो काइनेटिक एनर्जी. बट गाइस, कैन आई से दे हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी? वेरी लो काइनेटिक एनर्जी. कैन आई से सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी? नो, आई कैनॉट से इट. व्हाई? बिकॉज दे पजेस विच मोशन? करेक्ट, दे पजेस वाइब्रेशनल मोशन. तो जो छोटी तो बहुत कम काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन. अब जिसकी वजह से इनकी एंट्रोपी भी जीरो नहीं रहती, याद रखो, इसी के वजह से इनकी एंट्रोपी भी कभी जीरो नहीं रहती, ठीक है. तो गाइस, दीज आर फ्यू पॉइंट्स जो हम लोगों को याद रखना है. इनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस तो बहुत कम है, बट स्टिल, ठीक है. तो अब मुझे बताओ टाइप्स ऑफ सॉलिड्स अगर तुम लोगों को पूछा, टाइप्स कौन सी रहती है? टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन, करेक्ट बोल रहे हो. एक रहता है क्रिस्टलाइन, ओके, नंबर वन इज क्रिस्टलाइन एंड सेकंड वन इज अमॉर्फस, करेक्ट बोल रहे हो. तो थोड़ी सी स्पेस छोड़ दें एंड सेकंड वन इज अमॉर्फस, ओके. तो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स Atoms are arranged in a definite manner, or else, इसे हम लोग और एक वर्ड में लिख सकते हैं, there is a long range order. of arrangement
ठीक है, उसी का उल्टा तुम लोगों को अमॉर्फस के लिए लिखना है। ठीक है, तो अमॉर्फस के लिए कैसे लिखोगे? एटम्स आर अरेंज्ड इन अ इनडिफाइनाइट मैनर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो एटम्स के बदले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी बोल सकते हो जब मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स रहेंगे तो प्लीज राइट इट डाउन। ये जस्ट स्टार्टिंग की थियरी है। अभी हम लोग क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के बीच का डिफरेंस देखने वाला है। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के बीच का हम लोग डिफरेंस देखेंगे। लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मीनिंग क्या रहता है, आएंगे हम लोग डिफरेंस के ऊपर जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ओके, तो एग्जाम्पल्स में तुम लोगों को गाइस इनके डिस्टिंग्विश में ही लिख के दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते थे बट मैंने स्पेस उतनी छोड़ी नहीं है, तुम लोगों ने उतनी स्पेस छोड़ी रहेगी, नॉर्मल डेफिनेशन के लिए ही छोड़ी रहेगी। तो चलो आगे बढ़े। ओके, हाँ, मैंने गलती से अमॉर फोरस लिख दिया है। ठीक ये चैप्टर मैक्स टू मैक्स 4 लेक्चर्स का है। अगर तुम लोग डायग्राम्स फास्ट बना पाए तो, अगर तुम लोगों ने डायग्राम स्लो बनाई तो ये चैप्टर 5 लेक्चर तक जा सकता है। ठीक है, तो विल ट्राई कि तुम लोगों की डायग्राम्स कंप्लीट जल्दी हो, और अगर नहीं हो पाई तो ठीक है, तुम लोगों को 5 लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे। देखते हैं, लेट्स सी। नहीं, इसमें एनओसी से भी खतरनाक ड्रॉइंग्स है इसमें। तुम लोग जब बट तुम लोगों को क्यूब्स ही बनाने हैं। बचपन में तुम लोगों ने ऐसे टाइप के क्यूब्स बनाए क्या? जब तक लोग लिख रहे हैं हम लोग टाइम पास करते हैं। ऐसे टाइप के क्यूब्स बनाए तुम लोगों ने? ऐसे बनाने आता है? ठीक है, तो तुम लोगों को इसको आगे ऐसे कंटिन्यू करने भी आता होगा, ऐसे करने जमेगा, ऐसे करना है, फिर उसको थोड़ा और आगे कंटिन्यू करना है। ये जस्ट टाइम पास है, ये ऐसे करना है बस, मतलब ये ऐसे डायग्राम्स बनानी है। ठीक है, तो हाँ, बायस स्टूडेंट्स कैन डू इट, नीट स्टूडेंट्स, आर्किटेक्चर वाले जो लोग हैं वो तो आराम से कर पाएंगे। ठीक है, ओके, तो तुम लोगों को ये ऐसे ही सिर्फ टाइम पास करते रहना है और कुछ नहीं। वेटेज ऑफ दिस चैप्टर, यूजुअली एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से और बहुत ईजी रहता है, बिलीव मी बहुत ईजी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने इजी बोला था बट स्टिल तुम लोगों को डिफिकल्ट गया, मुझे पता है, बिकॉज दैट इज अ डिफिकल्ट चैप्टर और अ कंफ्यूजिंग चैप्टर। वो थोड़ा कंफ्यूजिंग और लेंदी चैप्टर था, वो जस्ट मैंने झूठ झूठ बोल के तुम लोगों को इजी बोला था, बट ये सच में ईजी है, ये सच में ईजी और सिंपल चैप्टर है। वहां पे चलो ठीक है, कभी कभार ऐसे झूठ बोलना पड़ता है बट ये पक्का वाला ईजी है। ठीक है, तो गाइस चलो लिख के हो गया होगा सबका, अभी आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, हम लोग इसमें ज्यादा करके जो थियरी का पार्ट है वो डिस्टिंग्विश बिटवीन के फॉर्म में ही लिखेंगे, सो दैट टाइम सेव हो, एंड मोस्टली टेक्स्ट बुक में भी तुम लोगों को ऐसे ही फॉर्मेट में दिखेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। सो गाइस, नंबर वन, इन दोनों की डेफिनेशन, तो तुम लोगों को डेफिनेशन मैंने ऊपर ही लिख के दे दी थी, तो वापस नहीं लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट इज डेफिनेशन, दे हैव शॉर्ट रेंज फोर्स, अमॉर्फस में लिखोगे, एंड शॉर्ट रेंज फोर्स बोल रहा हूँ, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, एंड क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, ये तो ब्रैकेट में लिख देना, लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्रिस्टलाइन के लिए, शॉर्ट रेंज ऑर्डर
अमॉर्फस के लिए, ठीक है? ओके, नाउ गाइस मुझे बताओ ट्रू सॉलिड्स किसको बोलोगे? ट्रू सॉलिड्स किसको बोलोगे? ऑब्वियसली क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स आर ट्रू सॉलिड्स, दे आर ट्रू सॉलिड्स, ठीक है? एंड अमॉर्फस में तुम लोग क्या बोलोगे फिर? सूडो सॉलिड्स, सूडो सॉलिड्स. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स, सुपर कूल्ड लिक्विड्स. गाइज याद रखो हर एक अमॉर्फस कंपाउंड ये लिक्विड फॉर्म की प्रॉपर्टीज शो करता है. अब मुझे बताओ लिक्विड फॉर्म की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कौन सी है? लिक्विड फॉर्म की सबसे बड़ी या फिर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है? विस्कोसिटी. विस्कोसिटी, यस वी कैन से विस्कोसिटी, बट फ्लोइंग, करेक्ट बोल रहे हो. दे कैन फ्लो, ठीक है, दे कैन फ्लो. एंड अगेन ऑल अमॉर्फस कंपाउंड्स कैन फ्लो, ऑल अमॉर्फस कंपाउंड्स कैन फ्लो. अब तुम लोग सोचोगे कि साला हम लोगों ने तो कभी आज तक देखा नहीं है, तो तुम लोग को एक सिंपल एग्जांपल, ग्लास इज अमॉर्फस कंपाउंड, करेक्ट? ये तुम लोगों को पता होगा. अब तुम्हारे घर पे अगर कोई बहुत पुराना मिरर होगा तो तुम लोगों ने कभी नोटिस किया है कि वो मिरर में है ना तुम लोगों का शेप डिस्टॉर्टेड दिखना स्टार्ट हो जाता है, नीचे से ऐसे पतले पतले दिखते हो या फिर नीचे से बड़े दिखना स्टार्ट हो जाते हो एंड ऊपर से तुम लोग स्लिम दिखना स्टार्ट हो जाते हो. जिन लोगों का वेट बढ़ गया लॉकडाउन में उनको वो मिरर बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है? हाँ, तो अब उसमें वो क्यों हो रहा है? बिकॉज मिरर जो है वो पहले तो स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में जब तुम लोग नया नया मिरर खरीदोगे उनकी लेंथ एकदम परफेक्ट सेम रहती है, ठीक है? बट टाइम के साथ ऊपर से उस मिरर की लेंथ कम होना स्टार्ट हो जाती है और नीचे से वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? इसका रीजन क्या है? बिकॉज कांच ऊपर से फ्लो होते होते नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है. या फिर तुम लोगों ने कभी वो बसेस में गांव वाली बसेस देखी रहेंगी, तो उनकी विंडोज जो है ना वो कभी भी खुलती नहीं है. कभी नोटिस किए उनकी विंडोज कभी भी लाइफ में नहीं खुलती है. इसका रीजन क्या है? बिकॉज नीचे से उसकी कांच थोड़ी सी मोटी हो गई रहती है और ऊपर से वो पतली रह जाती है, तो इसलिए हम लोग उसको खोल नहीं पाते हैं. तो गाइज याद रखो ये सिर्फ कांच के साथ होता है क्या? नहीं, ये हर एक अमॉर्फस सॉलिड के साथ होता है. हर एक मतलब लिटरली सबसे विस्कस अमॉर्फस सॉलिड जो है, कोल इज अमॉर्फस, करेक्ट बोल रहे हो, कोल इज अमॉर्फस. तो सबसे विस्कस अमॉर्फस सॉलिड जो है दैट इज टार, ठीक है? टार तुम लोगों ने सुना होगा, कोल टार जिससे हम लोग रस्ते बनाते हैं, ठीक है? तो इवन दैट कैन फ्लो, ठीक है? तुम लोग अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे लॉन्गेस्ट रनिंग साइंस एक्सपेरिमेंट्स, तो उसमें एक साइंटिस्ट ने सोचा यार कोल टार सच में फ्लो हो सकता है कि नहीं. तो उसने क्या किया, व्हाट ही डिड, ही टुक अ बीकर एंड इसके अंदर उसने कोल टार रख दिया, ठीक है, टार, एंड बस खत्म. कि लाइक अभी ये फ्लो होता है कि नहीं, डाम्बर, करेक्ट, डाम्बर, ठीक है? तो उसने उसके अंदर डाम्बर ऐड कर दिया एंड फिर ही वॉज जस्ट लाइक कि अभी देखते हैं कितना गिरता है कि नहीं गिरता. तो फर्स्ट ड्रॉप भी नहीं बोल सकते क्योंकि इसने ड्रॉप एग्जैक्टली गिराया नहीं था, बट ऐसे वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था एंड फर्स्ट ड्रॉप फेल आफ्टर आई गेस 10 और 15 ईयर्स, ठीक है? एंड इवन आफ्टर 100 ईयर्स दिस एक्सपेरिमेंट इज स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है? तो कोल टार इज वन ऑफ द मोस्ट विस्कस अमॉर्फस लिक्विड, ठीक है, सुपर कूल लिक्विड में आता है वो, ठीक है? चलो एनी हू, तो थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं. ओके, अरे फायदा कुछ नहीं है इसका, जस्ट देवर चेकिंग. लावा, लावा तो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है ना, मतलब लिक्विड फॉर्म या फिर लिक्विड ही बोल सकते हैं हम लोग उसको, विस्कस लिक्विड है वो बहुत. ओके एनी हू, अब नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनआइसोट्रॉपिक. मतलब क्या? तो शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है? ये तुम लोगों के बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है, तो इसको ऐसे स्टार मार्क करके रखना. बोर्ड्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, सीटी में भी इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. नाउ शोज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन. अब फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है? सिंपल एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एग्जाम्पल लेंगे हम लोग. अब देखो मेरे पास दो टाइप के कंपाउंड्स हैं, दो टाइप के सॉलिड्स हैं. एक है येलो कलर का सॉलिड, एक है येलो कलर का सॉलिड. तुम लोगों को भी ऐसे ही डायग्राम बनानी है गाइस, ठीक है? एक है मेरे पास येलो कलर का सॉलिड, बीच में स्पेसिंग अच्छी रखना क्योंकि हम लोग बीच में येलो के साथ ग्रीन कलर का सॉलिड भी ऐड करने वाले हैं. तो एक जो एटम है वैसे येलो कलर के है,
एंड दूसरे जो है वैसे ग्रीन कलर के हैं। ठीक है, मुझे बताओ इसमें जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो कर रही है। ठीक है, हर एक एटम, मतलब हर एक येलो पार्टिकल के बाद ग्रीन पार्टिकल आएगा, फिर ग्रीन के बाद येलो आएगा। सो दिस इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हम लोगों ने क्या बोला, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कोई इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ लो पकड़ रहा हूँ, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं करूंगा तो मैं लाइट की रेज पास करूंगा। समझो मैंने लाइट की रेज ऐसे स्ट्रेट अवे पास की, समझो मैंने लाइट की रेज ऐसे स्ट्रेट अवे पास की, तो जब वो ऐसे स्ट्रेट अवे पास हो रही है, तो गाइस मुझे बताओ ये कौन से एटम्स में से जा रही है। फर्स्ट इज पासिंग थ्रू येलो, देन ग्रीन, देन अगेन वन येलो एटम। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ एक आएगी, समझ लो इसकी वैल्यू एक्स आ गई। अब अगर तुम लोगों ने थोड़ा सा इसको ऐसे टिल्टेड फॉर्म में सेंड किया, टिल्ट करके इसको अगर थोड़ा सा हम लोगों ने सेंड किया, तो गाइज यू कैन क्लियरली सी नाउ इट इज पासिंग थ्रू थ्री ग्रीन एटम्स। मुझे बताओ येलो ग्रीन येलो में जो वैल्यू आएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, वही वैल्यू तीन ग्रीन एटम्स में से आएगी क्या? या फिर तुम लोगों ने अगर इसको और थोड़ा टिल्ट करके पास किया, तो नाउ इट इज पासिंग थ्रू थ्री येलो एटम्स। तो मुझे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, वो डायरेक्शन के साथ चेंज हो रही है। गेटिंग इट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, वो डायरेक्शन के साथ चेंज हो रही है। यहाँ पे एक्स वाई जेड ऐसे तीन अलग अलग वैल्यूज आएंगे, तो दिस इज कॉल्ड एज अनआइसोट्रॉपिक नेचर। एंड वेयर एज अमॉर्फस सॉलिड्स और सुपरकूल्ड लिक्विड्स आर नहीं ऋतुजा, दे कैन बी डिफरेंट, येलो और ग्रीन आइटम्स डिफरेंट रह सकते हैं, एंड वो हम लोग आयनिक कंपाउंड्स में देखेंगे। ठीक है, कटायन और अनायन करेक्ट बोल रहे हो, एक कटायन है यहाँ पे एक अनायन है, येलो वाला समझ लो कटायन है, तो रेड ग्रीन वाला अनायन बन जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड प्रॉपर्टी अमॉर्फस में हम लोग क्या लिखेंगे, तो दे आर आइसोट्रॉपिक, मतलब क्या, तो दे विल शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू देयर रैंडम अरेंजमेंट। अगर मैं इन्हें ऐसे ही रैंडमली डिस्पर्स करते जाऊँ, मतलब जो पार्टिकल्स है वो लॉन्ग रेंज फोर्स फॉलो ना करते हुए ऐसे ही कोई भी शॉर्ट रेंज में वो फॉलो कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही रैंडमली डिस्पर्स रहे। ठीक है, तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट है। इसके बीच में अभी येलो पार्टिकल्स भी आना स्टार्ट हो गए। अब गाइज मुझे बताओ यहाँ से जब मैं लाइट की रे पास करूंगा, तो ऑलमोस्ट इक्वल पॉसिबिलिटी रहेगी ग्रीन में से येलो में से और वापस ग्रीन में से पास होने की। समझ में आ रहा है? यहाँ पे रैंडमनेस आ गई, तो मैं अभी अगर लाइट रे पास करूंगा तो वो ऑलमोस्ट हमेशा सेम एटम्स में से पास होंगी। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? वो ऑन एन एवरेज हमेशा सेम एटम्स में से पास करेंगी, तो इसकी वजह से यू विल गेट अ आइसोट्रॉपिक नेचर, मतलब सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो प्लीज यहाँ पे बोलना मत कि नहीं सर ऐसा नहीं हो रहा है, समझ के लो भावनाओं को। रैंडमनेस रहने की वजह से यहाँ से सेम एटम्स ही हमेशा आते हैं, ऑलमोस्ट हमेशा सेम एटम्स रहते हैं, तो हर एक डायरेक्शन में वो सेम प्रॉपर्टी ही दिखाता है। ओके, नाउ पॉइंट नंबर फोर, मुझे बताओ तुम लोगों ने कभी वो इंस्टाग्राम पे बोलो या फिर यूट्यूब पे भी बोलो, बहुत सारे ऐसे वीडियोस दिखते हैं जिसमें ग्लास को यूज करके वो अलग अलग शेप्स बनाते हैं, अलग अलग टाइप के वेजल्स या फिर जार्स बनाते हैं, तो वैसे बहुत सारे तुम लोगों ने वीडियोस देखे। अब उन वीडियोस में सबसे पहले वो क्या करते हैं, श्रावणी, हम लोग डायमंड को वैसे कट करते हैं, एंड अगेन डायमंड इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फिर वो। ठीक है, तो डायमंड शुड बी द सेम फ्रॉम एनी साइड राइट, बिकॉज ओनली वन टाइप ऑफ एटम। नहीं, डायमंड में भी हम लोग वैसे कट्स मारते हैं तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाती है। ओके, तो हीट करते हैं, मुझे बताओ उसमें ग्लास पूरी तरह से मेल्ट होती है क्या, या फिर किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाके वो पिघल जाती है, मेल्ट होती है, ऐसा कुछ देखा है क्या तुम लोगों ने? मुझे बताओ ग्लास मेल्ट्स एट अ सिंगल टेम्परेचर और एट वेरिएबल टेम्परेचर्स?
नहीं करेक्ट, वो एक ऐसे वेरिएबल टेम्परेचर रेंज में धीरे धीरे सॉफ्ट होना स्टार्ट होती है, एंड आफ्टर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर मतलब बहुत टाइम के बाद वो प्रॉपर लिक्विड फेज में कन्वर्ट होगी, ठीक है? तो वॉट वी कैन राइट, एंड उसी बदले अगर आइस की बात करूँ, आइस इज अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड, मुझे बताओ आइस एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट होता है या नहीं होता? होता जीरो है डिग्री सेल्सियस पे होता है, करेक्ट? तो फोर्थ पॉइंट, अमॉर्फस सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है? एंड फिफ्थ, सॉरी यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, एंड दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, एंड दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो देखो इनके ग्राफ्स कैसे आते हैं, टेम्परेचर वर्सेस टाइम के, ठीक है? इफ वी आर प्लॉटिंग ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम और दीज टू टाइप ऑफ कंपाउंड्स और सॉलिड्स, हम लोगों को क्या मिलेगा? अगेन ये ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चन ऐसे आते नहीं है, ये टाइम पास वाले ग्राफ है, बट स्टिल यू शुड नो देम। तो टेम्परेचर वर्सेस टाइम, ठीक है? टेम्परेचर वर्सेस टाइम, याद रखो कैपिटल टी हमेशा टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल टी हमेशा टाइम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो इनका टेम्परेचर जो है वो ऐसे हाइपरबॉलिकली या फिर एक्सपोनेंशियली वेरी करता है, ठीक है? तो वो ऐसे धीरे धीरे कम होते जाएगा या फिर बढ़ते जाएगा, ठीक है, टाइम के साथ। उसी बदले यहाँ पे क्या होगा, तुम लोग टेम्परेचर क्या करोगे, पहले ये ऐसे सॉलिड से समझ लो लिक्विड में चला गया, तुम लोग इसको सॉरी गैस से, ये गैस में था, टेम्परेचर कम करते जा रहे हो, तो ये लिक्विड में चला गया, तो इसका टेम्परेचर कैसे आएगा? गैस से लिक्विड में जा रहा था, अब एक पॉइंट पे ये गैस में से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है ऐसे समझ लेते हैं, सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है ऐसे समझ लेते हैं। तो सॉलिड से ये जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, या फिर लिक्विड से ये जैसे ही सॉलिड में कन्वर्ट होगा, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उसका टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट मेंटेन रहेगा। क्यों? बिकॉज दिस इज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है? बिकॉज दिस इज मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हो, ग्राफ के डायरेक्शन के ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं, एंड उसके बाद वो वापस टेम्परेचर फॉल होना स्टार्ट होगा, ठीक है? तो समझ लो कि हम लोगों के पास यहाँ पे था लिक्विड, हम लोगों के पास कोई एक लिक्विड था जिसे हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसे हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये ग्राफ ऐसे नीचे के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है? ये ग्राफ ऐसे नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, टेम्परेचर हम लोग उसका कम करते जा रहे हैं। तो गाइस रिमेंबर दिस, एक पॉइंट आता है जहां पे लिक्विड टू सॉलिड का जो कन्वर्जन होता है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। यहाँ पे एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, विच इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है गाइस? एक कांस्टेंट पार्ट आएगा जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत टाइम के लिए कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? दैट पार्ट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट, एंड ये ऐसे हम लोगों को कांस्टेंट वैल्यू क्यों मिलती है, बिकॉज दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है? तो हम लोगों ने फ्रीजिंग स्टार्ट किया, टेम्परेचर कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, एक पॉइंट आएगा जहां पे हमारा जो लिक्विड था, जहां पे हम लोगों का जो लिक्विड था उसमें क्रिस्टल फॉर्म होगा। अब जैसे ही पहला क्रिस्टल फॉर्म हो गया, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट हिट हो गया, उसके बाद ये क्रिस्टलाइजेशन ऐसे बढ़ते जाएगा, ये क्रिस्टलाइजेशन ऐसे बढ़ते जाएगा, एंड टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा जब तक ये पूरा क्रिस्टल किस में कन्वर्ट नहीं होता, सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होता। गाइस आर यू गेटिंग इट, मैं क्या बोल रहा हूँ? ये पूरा क्रिस्टल सॉलिड में कन्वर्ट होने तक तुम लोगों को एक कांस्टेंट टेम्परेचर मिलेगा, एंड एक बार ये सॉलिड में पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद टेम्परेचर और कम हो सकता है, बट जब तक पूरा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होता टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है? चलो तो प्लीज राइट इट डाउन, कंप्लीट करो इसे लिख के। जब चेंज ऑफ फेज, राइट वाला ग्राफ, ओके इस तरफ अगर हम लोग देखेंगे, समझ लो कि तुम लोग ग्लास को मेल्ट कर रहे हो, तो ग्लास को मेल्ट करते वक्त वो कंटिन्यूअसली धीरे धीरे सॉफ्ट होना स्टार्ट होता है, और सॉफ्ट होते होते वो धीरे धीरे मेल्ट होता है। तो
तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंटली ऐसे बढ़ते जाएगा, समझ लो कि तुम लोग इस टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, ग्लास को फ्रीज करने के बदले टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हो, तो टाइम के साथ तुम लोग हीट देते जाओगे, टेम्परेचर अच्छा नहीं, नहीं इसको उल्टा ही रखना पड़ेगा हम लोगों को, तो तुम लोग ग्लास को कूल डाउन कर रहे हो। अब ग्लास जब कूल डाउन होगी तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे फॉल आउट होगा, वो कोई शार्प फ्रीजिंग पॉइंट नहीं दिखाएगी, तो वो ऐसे ही फॉल आउट होगा। ठीक है, हम लोग टेम्परेचर अगर हम लोगों को बढ़ाना होगा तो ये ग्राफ ऐसे आता, टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाते जाते टाइम के साथ तो ये ग्राफ ऐसे आता। ये जेई एडवांस, ये जेई मेंस में भी ना आए, मतलब ये ऐसे, ये तो बहुत कॉमन सेंस वाले ग्राफ हो गए ना, तो इनके ये इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, डोंट वरी। डिफरेंस के और भी पॉइंट्स है? नहीं इतना ही है। व्हाई इट इज हिटिंग इन्फिनिटी? अरे नहीं, ये इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा है, जस्ट मैंने यहाँ से ग्राफ स्टार्ट किया ऐसे समझ लो। ठीक है, इधर से हम लोगों ने, मतलब ये टाइम था, इधर से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, इट इज नॉट गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। वॉट अबाउट बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट तो लिक्विड्स की प्रॉपर्टी हो जाती है ना, तो उसमें हम लोग कमेंट नहीं करेंगे, बट यूजुअली बॉइलिंग पॉइंट हमेशा शार्प ही रहता है, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हर एक चीज का शार्प रहता है। रास्ते का टार जल्दी क्यों निकलता है? अरे दैट इज वो नीचे अगर, मतलब वो पूरा फील्ड डिफरेंट हो गई, ठीक है, बट अगर उन्होंने कंस्ट्रक्शन ही अच्छा नहीं किया रहेगा तो जल्दी ही निकलने वाला है। ओके, पॉलीक्रिस्टलाइन मतलब, पॉलीक्रिस्टलाइन मतलब कंपाउंड हैविंग मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, उसी पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं अभी। ठीक है, तो देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में भी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में भी दो टाइप के कंपाउंड हम लोग मेजरली देखते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड समझ लो, प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो एक रहता है आइसोमॉर्फस। ठीक है, अभी क्या लिखा, एक्चुअली वो प्रॉपर्टीज ही थी, बट हम लोग डिस्टिंग्विश फॉर्म में देख रहे थे, और अभी हम लोग और दो प्रॉपर्टीज देखने वाले जो सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड शो कर सकते हैं। तो नंबर वन इज आइसोमॉर्फस सॉलिड्स, आइसोमॉर्फस सॉलिड्स, इनके ऊपर क्वेश्चंस एंड ऑल ज्यादा कुछ नहीं आता है, जस्ट हम लोगों को ये याद रखने प्रॉपर्टी। अब आइसो मतलब क्या, तो सेम मॉर्फस, आइसो मॉर्फस सॉलिड्स। अब मॉर्फ मतलब क्या, मॉर्फ मतलब फॉर्म। ठीक है, मॉर्फ तुम लोगों को पता होगा, लोगों ने बायोलॉजी में बहुत बार मॉर्फिज्म ये वर्ड यूज किया होगा। तो आइसो मतलब सेम, मॉर्फस मतलब उनका शेप या फिर फॉर्म। ठीक है, तो सॉलिड्स, टू डिफरेंट सॉलिड्स या फिर टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस हैविंग, हैविंग सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म आर कॉल्ड एज आइसोमॉर्फस। तुम लोगों को बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये डेफिनेशन पता रहना चाहिए, नथिंग एल्स। ठीक है, ओके, पावर रेंजर और पोकेमॉन में भी सुना है तुम लोगों ने, करेक्ट बोल रहे हो। अब नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फस, पॉलीमॉर्फस सॉलिड्स, जिसमें हम लोगों को एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है और जो हम लोग पढ़ने भी वाले हैं उसका फॉर्म। ठीक है, तो पॉली मतलब क्या, मेनी, मॉर्फ मतलब फॉर्म। ठीक है, तो अ सिंगल सब्सटेंस, अ सिंगल सब्सटेंस, सिंगल सब्सटेंस हैविंग मोर देन वन, मोर देन वन क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन फॉर्म। यहाँ पे कुछ लोग फुलरिन बोल रहे हैं, विच इज नॉट एग्जैक्टली रॉन्ग, वो भी एग्जाम्पल आ सकते हैं, मतलब कार्बन डायमंड ग्रेफाइट फुलरिन। ठीक है, बट उन्हें हम लोग एलोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स में जब तुम लोगों को पॉलीमॉर्फिज्म दिखता है तो हम लोग उसको एलोट्रॉप्स बोलते हैं, उसके लिए हम लोगों के पास एक स्पेसिफिक वर्ड पहले से है। तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड के दो फॉर्म रहते हैं, एक रहता है जिंक ब्लेंड फॉर्म, जिंक ब्लेंड फॉर्म, एंड दूसरा रहता है वुडजाइट फॉर्म। ठीक है, तो
वर्डसाइट बोलो या फिर वुडसाइट बोलो, बोथ आर सेम. तो एक रहता है जिंक ब्लेंड और दूसरा रहता है वर्डसाइट. एंड ZnS जिंक सल्फाइड, ये दो क्रिस्टल लाइटेस हम लोगों को दिखाता है वो कैसे एंड क्यों, वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए याद रखो. रेड फॉस्फोरस एंड व्हाइट फॉस्फोरस, इवन दे आर एलोट्रॉप्स, इवन दे आर एलोट्रॉप्स. याद रखो, अगर एक सिंगल एलिमेंट के एक से ज्यादा फॉर्म है, मतलब इसके क्या रहते हैं, एक रहता है ब्लैक, दूसरा रहता है व्हाइट, तीसरा रहता है रेड, ठीक है. तो ये हो गए एलोट्रॉप्स. एलोट्रॉप्स क्यों, ये भी पॉलीमॉर्फस ही है, बट एलिमेंट के पॉलीमॉर्फ्स है ना, तो एलिमेंट के पॉलीमॉर्फ्स को हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉप्स, एंड कंपाउंड्स के पॉलीमॉर्फ्स को पॉलीमॉर्फ्स, ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले, या फिर आयनिक कंपाउंड्स के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं. बोलिए, ये कंप्लीट करो, बोलो. पॉलीमॉर्फस सॉलिड में डैश के बाद क्या है? डैश के बाद, अच्छा मतलब सिंगल, पॉलीमॉर्फस सॉलिड्स में सिंगल, मोर देन, अच्छा मोर देन वन, मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म. ओके गाइज, मैंने एग्जाम्पल लिख के देना ही भूल गया हूँ, मैं अभी तक तुम लोगों को एक भी एग्जाम्पल लिख के नहीं दिया है. तो यहाँ पे अगर स्पेस होगा डिस्टिंग्विश बिटवीन में, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दो प्लीज. तो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में तुम लोग क्या क्या लिख सकते हो, NaCl, CaCl, ZnS, CaF2, Na2O, ठीक है. तो ये जो मैंने तुम लोगों को एग्जाम्पल लिख के दिए, ये इतने पांच कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर हम लोगों को याद रखने हैं, ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे भी इस चैप्टर में. एंड यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो तुम लोग, यहाँ पे तुम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हो ग्लास, रबर, प्लास्टिक एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. रॉक्स नहीं लिख पाएंगे क्योंकि रॉक्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स. रॉक्स जो रहते हैं वो यूजुअली क्रिस्टलाइन फॉर्म में रह सकते हैं, रहते ही है एक्चुअली, बहुत सारे रॉक्स मिनरल्स हम लोग जिन्हें बोलते हैं, ठीक है. तो चलो कंप्लीट कर दो इसे गाइस. Why single crystals are difficult to obtain? Because उसमें सरफेस टेंशन बहुत आ जाएगा स्वर्म. अगर आप एक सिंगल क्रिस्टल बनाओगे तो उसमें सरफेस टेंशन बहुत आ जाएगा, और वो छोटे छोटे एटम्स उतना सरफेस टेंशन को बैलेंस नहीं कर पाते हैं. जब बहुत ज़्यादा एटम्स आ जाएंगे तो वो सरफेस टेंशन को विस्टैंड कर पाएंगे. बट अगर आप एक सिंगल क्रिस्टल ऐसे बनाने की सोचोगे कि भाई मैं 8 एटम्स लूंगा और 8 एटम्स से ये ऐसा एक छोटा सा क्रिस्टल बनाऊंगा, ठीक है. एक क्यूब बनाने के लिए तुम लोगों को 8 कॉर्नर लगते हैं, तो तुम लोगों ने 8 एटम्स लिया और उससे ऐसे एक छोटा सा क्रिस्टल बनाया, ऐसे सोचा, तो होगा क्या कि यहाँ पे सरफेस टेंशन जो है वो बहुत ज्यादा होगा. तो होपफुली तुम लोगों ने फिजिक्स में अभी सरफेस टेंशन पढ़ लिया है, तो सरफेस टेंशन इतना ज्यादा है और सिर्फ तुम लोगों के पास सिर्फ 8 एटम्स है, तो डेफिनेटली ये विस्टैंड कर ही नहीं पाएंगे इतना सरफेस टेंशन, ठीक है. ओके, तो इसलिए एक सिंगल क्रिस्टल कभी हम लोगों को मिलता नहीं है, हमेशा एक से ज्यादा क्रिस्टल्स मिलेंगे, मतलब बहुत सारे क्रिस्टल्स कंबाइन होकर हम लोगों को एक पूरा बड़ा क्रिस्टल मिलता है, ठीक है. तो सर फिर भी एग्जिस्ट तो करते होंगे ना कुछ तो? नहीं, नहीं अक्षय, यूजुअली नहीं रहता. ओके एनी हो, चलो गाइस अभी आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स, ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स. अब क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स हम लोगों के पास कौन से रहते हैं, ठीक है. तो शुगर इज ऑल्सो क्रिस्टल, करेक्ट बोल रहे हो. टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन कंपाउंड, इसमें हम लोगों को चार टाइप के क्रिस्टलाइन कंपाउंड पढ़ने हैं. नंबर वन इज आयनिक कंपाउंड्स, नंबर टू इज कोवेलेंट कंपाउंड्स, नंबर थ्री इज मेटालिक कंपाउंड्स, कंपाउंड मत लिखो क्रिस्टल लिखो, आयनिक क्रिस्टल कंपाउंड बहुत मेटालिक के केस में वो काम नहीं कर रहा है ना, तो आयनिक क्रिस्टल
सेकेंड इज कोवेलेंट क्रिस्टल्स, कोवेलेंट क्रिस्टल्स. थर्ड वन इज मेटालिक क्रिस्टल, मेटालिक क्रिस्टल. एंड फोर्थ वन इज मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल. ठीक है, तो तुम लोगों को ये चार याद रखना है, लिख दो इसे, कंप्लीट कर दो. अब इनके बीच में हम लोग डिस्टिंग्विश वापस करेंगे. एलम इज क्रिस्टलाइन, करेक्ट बोल रहे हो, एलम क्रिस्टलाइन ही है. आयनिक कंपाउंड्स में आ जाता है ना, एलम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, एलम इज Al2SO4 thrice that dot K2SO4 dot 24H2O. ठीक है, तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एलम. एंड एलम एक आयनिक कंपाउंड हो जाता है तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म ही आ जाएगा. नया जिंक इस चैप्टर में कोई भी नहीं मिलेगा वैसे. इट इज द डबल सॉल्ट, करेक्ट बोल रहे हो. सिलिका, सिलिका क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी रहता है और सिलिका अमॉर्फस फॉर्म में भी रहता है. सिलिका इज नथिंग बट गाइस ग्लास, तो ग्लास जो है वो तुम लोगों को अमॉर्फस फॉर्म में भी मिलेगा और क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी मिलेगा. ओके गाइस, क्वेश्चन मत पूछो, मुझे डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स मुझे याद आते कि यार हाँ ये भी हम लोग लिख सकते हैं. तो ग्लास, ग्लास हम लोगों को क्रिस्टलाइन फॉर्म में कब मिलता है, जब हम लोग उसको आराम से कूल डाउन करते हैं. ठीक है, एकदम उसको बनने के लिए ना बहुत टाइम देते हैं, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम करते जाते हैं, तब जाके हम लोगों को एक क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्वार्ट्स. ठीक है, ग्लास के दो टाइप रहते हैं, एक रहता है अमॉर्फस ग्लास. अभी तुम लोगों को कहाँ पे लिखना है वो तुम लोग सोचो, बट ग्लास के दो टाइप रहते हैं, मैं ऊपर ही यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ एग्जांपल्स में. ग्लास के दो टाइप रहते हैं, एक रहता है क्वार्ट्स और दूसरा रहता है अमॉर्फस ग्लास. ठीक है, क्वार्ट्स कब बनता है, व्हेन सिलिका या फिर SiO2 इज कूल डाउन वेरी स्लोली. उसको बनने के लिए अच्छा खासा टाइम दिया रहेगा हम लोगों ने, तो क्या होगा, सिलिका के एक एक एटम एकदम आराम से आके ऐसे आजू बाजू में बैठना स्टार्ट करेंगे. उनको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है ना सेटल डाउन होने के लिए, तो वो एक स्पेसिफिक लॉन्ग रेंज ऑर्डर मेंटेन कर पाते हैं. ठीक है, तो अगर कूल डाउन या फिर क्रिस्टलाइजेशन आराम से हम लोग कैरी आउट कर रहे हैं, यहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे, क्रिस्टलाइजेशन इज कैरिड आउट स्लोली, आराम से करने के लिए टाइम दिया तुम लोगों ने, तो वो अच्छे से बनेगा क्रिस्टल. बट अगर तुम लोगों ने उसको फटाफट ठंडा कर दिया, ठीक है, तो तुम लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता. ठीक है, वॉच कंपनी का भी नाम क्वार्ट्ज रहता है, करेक्ट बोल रहे हो, तो वो उस कांच के नाम पे ही आया है और कुछ नहीं. ओके एनीहू, चलो अभी हम लोग इनके बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन देखते हैं. तो डिस्टिंग्विश बिटवीन हम लोग कैसे लिखने वाले, देखो सबसे पहले तो तुम लोगों को पांच कॉलम्स बनाने हैं. ठीक है, तुम लोगों को पांच कॉलम्स बनाने हैं. क्या किया मैंने, एक कॉलम यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, फिर आयनिक कंपाउंड की वो प्रॉपर्टी, फिर कोवेलेंट क्रिस्टल्स की वो प्रॉपर्टी, देन मेटालिक एंड देन मॉलिक्यूलर. ठीक है, तो ऐसे तुम लोगों को पांच कॉलम्स का एक टेबल बनाना है. फर्स्ट में हम लोग प्रॉपर्टीज लिखेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, उसके बाद अलग अलग टाइप के क्रिस्टलाइन कंपाउंड में उनकी नेचर, उनका नेचर. ठीक है, तो चलो यहाँ पे प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, देन दैट प्रॉपर्टी इन आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड मॉलिक्युलर सॉलिड. Manas, actually I don't know how to do it. Yes, Ajinkya pata hai.
प्रॉपर्टीज हार्डली हम लोग 4 से 5 स्टडी करने वाले हैं. सबसे पहले तो नेचर, नेचर या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है. तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में कौन सा टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है मुझे बताओ. सबसे पहले लैंडस्केप में ड्रॉ करने जितना तुम लोगों को स्पेस नहीं रिक्वायर्ड एक्चुअली, यहाँ पे तुम लोग डायरेक्ट पोर्ट्रेट मोड पे ही लिख सकते हो. अब मुझे बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक में कौन सा रहता है? आयनिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक रहता है, करेक्ट बोल रहे हो. तो आयनिक कंपाउंड्स कंटेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है. तो आयनिक बॉन्ड है यहाँ पे, कोवेलेंट में क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे. मेटालिक में क्या होगा? मेटालिक बॉन्ड फॉर्म होंगे, मेटालिक बॉन्ड. अब मेटालिक बॉन्ड कैसे दिखता है तुम लोगों को लास्ट टाइम मैंने बताया था. अगर तुम लोगों के पास कोई एक मेटल है तो मेटल का जो एटम है वो हमेशा आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करना पसंद करता है. तो मेटल के सारे एटम्स हमेशा कटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है. मेटल के सारे एटम्स हमेशा कटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करना पसंद करेंगे. एंड इन कटायंस को हम लोग ने क्या नाम दिया था? दीज आर कॉल्ड एज कर्नल्स, ठीक है. एंड बिटवीन दीज कर्नल्स देयर आर ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पॉसिबल होता है. गाइस याद है ना, ठीक है. विच इज कॉल्ड एज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट बोल रहे हो. तो यहाँ पे तुम लोगों को मेटालिक बॉन्डिंग मिल जाती है. मेटालिक बॉन्डिंग कैसे एग्जिस्ट करती है? तो ये इलेक्ट्रॉन और कटायन इनके बीच में अट्रैक्शन आएगा, इनके बीच में छोटे छोटे अट्रैक्शन फॉर्म होंगे, ठीक है. तो ये इलेक्ट्रॉन और एटम्स के बीच में अट्रैक्शन रहते हैं गाइस, याद रखो, ठीक है. जिसकी वजह से मेटालिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है. तो देखो हो गया बॉन्ड फॉर्म, ठीक है. तो दिस इज मेटालिक बॉन्ड. अब मुझे बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज, मेटल विल बिकम लेस डेंस और हाईली डेंस. इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज देन मेटल विल बिकम हाईली डेंस, करेक्ट बोल रहे हो. अब गाइज याद रखो डेंसिटी या फिर डेंसिटी कब बढ़ेगी? जब मेटल के एटम्स जो है वो ऐसे कॉम्पैक्टली पैक्ड रहेंगे. वो कब होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेंगे, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज देन देयर अट्रैक्शन विल इंक्रीज. इफ देयर अट्रैक्शन विल इंक्रीज तो क्या होगा? ये मेटल के एटम्स जो है वो नजदीक आना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड नजदीक आएंगे तो वो डेंसिटी उसकी बढ़ते जाएगी, ठीक है. जो हम लोग डीएनएफ ब्लॉक में ये यूज करेंगे, ठीक है, हार्डनेस उसकी बढ़ती है जिसकी वजह से, तो डीएनएफ ब्लॉक में वो आएगा. ठीक है, डीएनएफ ब्लॉक में मैं तुम लोगों को तभी बता दूंगा. ये जस्ट मैंने अभी मेटालिक बॉन्डिंग बताई तो मैंने सोचा ये भी टॉपिक यहाँ पे छेड़ देते हैं. अब मॉलिकुलर सॉलिड्स, मॉलिकुलर सॉलिड्स कंटेन्स, इनके बीच में क्या कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट रहेंगे? वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो. दे हैव वैंडरवाल्स फोर्सेस और एल्स एच बॉन्ड्स, ठीक है. अब सबसे पहले इन सबके एग्जाम्पल देख लेते हैं, नहीं तो हम लोग एग्जाम्पल लिखना ही भूल रहे हैं इस चैप्टर में. तो सबसे पहले एग्जाम्पल लिख देते हैं. तो एग्जाम्पल आयनिक कंपाउंड्स में कौन से आएंगे? ऊपर जो मैंने लिख के दिए थे, जो हम लोगों को इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ने भी हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं गाइस, याद रखो. NaCl, CaCl, CaF2, Na2O एंड ZnS, ठीक है. ये कंपाउंड्स हम लोगों को पढ़ने हैं, एंड बाकी तुम लोगों को इस चैप्टर में और कोई भी आयनिक कंपाउंड नहीं पढ़ने. ये अच्छी है जिनके स्ट्रक्चर तुम लोगों को बाय हार्ट होने चाहिए. अब कोवेलेंट में कौन आएगा? डायमंड पूरी तरह से कोवेलेंट कंपाउंड है, ग्रेफाइट एंड सिलिका लिख देते हैं. सिलिका, सिलिकेट्स हम लोगों ने बहुत अलग अलग टाइप के देखे, बहुत जाइगेंटिक स्ट्रक्चर रहते हैं, तुम लोगों को याद है ना. सिलिका मतलब कौन? सिलिका मतलब SiO2 वाले कंपाउंड, याद रखो, जिनको हम लोगों ने सिलिकेट्स करके स्टडी किया था, ठीक है. तो सिलिकेट्स के कितने बड़े बड़े और मस्त स्ट्रक्चर बनाए थे, जो क्रिस्टलाइन भी थे, याद है वो रंगोली बनाई थी, तो वो वाले. अब मेटालिक बॉन्ड्स, मेटालिक बॉन्ड या फिर मेटालिक कंपाउंड, तुम लोगों को जो भी मेटल याद है, पे को नी क्रोमियम स्कैंडियम टाइटेनियम, ठीक है, जो अच्छा लगे वो, ठीक है. ये मेटा पायरो ऑर्थो 2D 3D चेन सिलिकेट डबल चेन सिलिकेट, ठीक है, तो वो सारे. अब मॉलिकुलर सॉलिड्स, मॉलिकुलर सॉलिड्स मतलब क्या? जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा. तो देखो CO2,
CO2 तो गैस है, I2 ले लेते हैं, I2। अब देखो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं गाइस, आयोडीन के मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं, इनमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। तो आयोडीन I2 ऐसे रहता है, एक आयोडीन और दूसरा आयोडीन, वापस एक आयोडीन, दूसरा आयोडीन और एक आयोडीन और एक आयोडीन का मॉलिक्यूल। अब ये चार आयोडीन के अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड स्टेट में जब आएंगे तो इनके बीच में कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। एंड इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, यहाँ पे ये सॉलिड में कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से रहेंगे, ये पकड़ के किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, वैन डर वाल्स, वेरी नाइस। ठीक है, तो आई टू बोलो, एस एट बोलो, सी फोर बोलो। स्टूडेंट्स को यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है बताएं, कि यार ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये बीच वाला जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो आयोडीन तो कोवेलेंट कंपाउंड में आना चाहिए, इवन आइस, आइस भी आएगा। अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो आयोडीन तो कोवेलेंट कंपाउंड में आना चाहिए, बट इज इट कोवेलेंट, नो, इट हैज वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड हेंस हेंस इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, उसी बदले डायमंड, डायमंड का तुम लोगों को स्ट्रक्चर याद होगा, इसमें कैसे होता है, दिस इज एस एट, करेक्ट बोल रहे हो, एस एट। ठीक है, सल्फर, अब डायमंड में कैसे रहता है, एक कार्बन है जो चार कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, उसे फिर से एक कार्बन अटैच्ड है जो खुद भी और चार बॉन्ड बना रहा है, फिर यहाँ पे वापस कार्बन आ जाता है जो फिर से और चार बॉन्ड बनाता है, तो तुम लोगों को दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड, कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड है, तो रीजन समझ में आ गया होगा, कार्बन की ट्री बनते जा रही है, करेक्ट बोल रहे हो। तो यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के, ठीक है, I2, आयोडीन, S8, सल्फर, P4, फास्फोरस, ये इनके स्ट्रक्चर्स जो है वो हम लोग बाद में देखेंगे, डोंट वरी, पी ब्लॉक में। ठीक है, और नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में तो मैंने ये S8 और P4 पढ़ाया भी है। ओके, एनीहाउ, चलो एग्जांपल तो हो गए, अब इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सोचते जरा, मेल्टिंग पॉइंट हम लोग देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट देखने की जरूरत नहीं हम लोगों को। मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड टू लिक्विड जाते वक्त क्या होता है मुझे बताओ, आयनिक कंपाउंड्स NaCl, KCl, Na2O, ZnS, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई या बहुत लो, हाई मेल्टिंग पॉइंट, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक्सेप्शन मर्क्यूरी है बट उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, एंड ये वाले मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स लो मेल्टिंग पॉइंट, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बताओ, आयनिक कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो याद रखो सॉलिड फॉर्म में अगर तुम लोगों को पूछा, अगर ये सॉलिड है तो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बट अगर फ्यूज मतलब क्या, मोल्टन या फिर एक्वियस फॉर्म में पूछा तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो दो टाइप है, एक है पुअर और दूसरा गुड कंडक्टर, तब होगा तो उनके स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, अब ये डायमंड, सिलिका, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक्सेप्शन कौन आता है यहाँ पे, ग्रेफाइट आता है, हर एक चीज में एक्सेप्शन हो सकता है, तो अभी के लिए हम लोग एक्सेप्शन छोड़ देंगे, सिर्फ बैड लिख देंगे। अब मेटल्स, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एंड ये आई टू बाई टू, तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आई टू बोलो, एसिड बोलो, ऑल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो गाइस बस इतने ही हम लोगों को डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स देख रहे हैं। अगेन ये सारा पार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो थोड़ी सी थियरी करवा रहा हूँ। गैसीयस स्टेट का यहाँ पे कुछ यूज नहीं है गाइस, याद रखो यहाँ पे इस चैप्टर के लिए या फिर ट्वेल्थ के किसी भी चैप्टर के लिए तुम लोगों को पहले वाले चैप्टर्स की जरूरत नहीं है। इलेवेंथ में तुम लोगों ने जितने भी चैप्टर्स पढ़े वो मोस्टली तो इंटररिलेटेड थे, बट ट्वेल्थ के चैप्टर्स इंटररिलेटेड नहीं है एक्सेप्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में तुम लोगों को कोरिलेशन मिलेगा, बट फिजिकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स इंडिपेंडेंट है। ठीक है,
यहाँ पे ज्यादा कोरिलेशन नहीं आता. CaF2 इज आयनिक, CaF2 आयनिक में ही लिखा है हम लोगों ने CaF2. प्लीज यहाँ पे फजान्स रूल मत लगाना, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल CaF2 नहीं, फिर भी वो आयनिक ही आएगा, फजान्स रूल के थ्रू भी आयनिक ही आने वाला है. ठीक है, ZnS आयनिक नहीं आएगा फजान्स रूल के अकॉर्डिंगली. जिंक सल्फाइड जो है वो आयनिक नहीं आना चाहिए, बट हम लोग यहाँ पे उसे आयनिक ही बोलेंगे. ठीक है, आई नाउ हम लोगों को एक सरफेस केमिस्ट्री भी चैप्टर है जिसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते थे, बट इस साल से उन्होंने पूछना स्टार्ट कर दिया है. ओके, लिखना बाकी है अभी भी गाइस, थियरी जल्दी लिखो जरा, या फिर एक काम करो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बिकॉज ये तो तुम लोगों को बोर्ड्स मतलब एनसीईआरटी में तुम लोगों को सेम टेबल मिलेगा और उसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी. ठीक है, तो चलो आगे बढ़े. यूरेनियम इज अ मेटल, तो मेटालिक कंपाउंड्स में आएगा वो. यूरेनियम अगर तुम लोगों को पूछा विच टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म इट विल शो, तो मेटालिक फॉर्म. ठीक है, या फिर मेटालिक क्रिस्टल वो बनाएगा. तो अब हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज देखने वाले हैं, तो कॉमन टर्मिनोलॉजी. जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट सेल, एंड एक मैं डेफिनेशन लिख के दूंगा, बाकी सारे मैं तुम लोगों को डायग्राम से ही बताऊंगा. अभी ज्यादा थियरी नहीं है गाइस, मतलब डेफिनेशन एंड ऑल तुम लोग थोड़ा टेक्स्ट बुक में से भी लिख के देख ही सकते हो. तो यूनिट सेल, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, विच व्हेन repeated in three dimension, which when repeated in three dimension forms a complete crystal is called as unit cell. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, तुम लोगों के पास अगर एटम्स ऐसे कुछ अरेंज्ड है, ठीक है, तुम लोगों के पास कुछ एटम्स है जो ऐसे अरेंज्ड है, ठीक है, और अगर हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया, यप ये हम लोगों ने एनएलसी में भी देखा था, अगर हम लोगों ने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया. देखो गाइज, मैं यहाँ पे जानबूझ के टूल्स यूज नहीं कर रहा हूँ, सो दैट तुम लोग भी वहाँ पे स्केलेबल यूज करते मत बैठो, जितना हो सके फ्री हैंड ड्रॉइंग बनाना. ठीक है, तो अब इनको अगर मैंने कनेक्ट कर दिया तो ये क्या बन गई, एक सेल बन गई, दिस इज कॉल्ड एज अ यूनिट सेल. बट मुझे बताओ, क्रिस्टल ऐसे टू डायमेंशन में रहता है क्या? नहीं रहता. क्रिस्टल हमेशा किसमें रहता है? थ्री डायमेंशन में रहता है. करेक्ट बोल रहे हो. तो इन चार एटम्स के पीछे भी चार एटम्स रहेंगे, इन चार एटम्स के पीछे की तरफ भी चार एटम्स डेफिनेटली रहने ही वाले. ओके गाइस, तो इन्हें भी अगर मैं कनेक्ट कर दूं, अब ये आठ एटम्स जब कनेक्ट होंगे, याद रखो एक क्यूब बनाने के लिए तुम लोगों को मिनिमम आठ पॉइंट्स तो चाहिए, तब जाके क्यूब बनेगा. ठीक है, तो ये बन गया एक परफेक्ट क्यूब, एंड ये बन गई एक यूनिट सेल, बेशक. ठीक है गाइस, तो दिस इज अ यूनिट सेल. अब ये जब थ्री डायमेंशन में इंक्रीज होगी, तो हम लोग बोलेंगे कि एक क्रिस्टल बन गया. अब इसको थ्री डायमेंशन में हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अभी मैं जरा वापस ड्रॉ कर रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि ये क्यूब जो है वो अच्छा नहीं बनाता मुझसे. तो देखो, अब अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज स्केल विल लेके ड्रॉ मत करते बैठना. ठीक है, जितना हो सके फ्री एंड ड्रॉइंग करना. जब स्केल की रिक्वायरमेंट रहेगी मैं खुद सामने से बोल दूंगा. देखो गाइस, फर्स्ट सेल बनाई, उसके नीचे ही सेकंड सेल को इंक्रीज करो. ठीक है, उसके बाजू में और एक सेल बनाओ,
15 है ना ये सबसे, एंड उसके नीचे और एक सेल बनाओ। ओके, 11th में जब तुम लोगों को ये डायग्राम मैंने बना के दिखाई थी, तो मैंने बोला था कि अभी तुम लोग मतलब तुम लोगों को तभी हो नहीं रहा था, तो मैंने बोला था डोंट वरी कि हम लोग नेक्स्ट ईयर ड्रॉ करेंगे वापस। तो नेक्स्ट ईयर आ गया, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने डायग्राम फर्स्ट टाइम बनाई थी यार। तो अभी तुम लोगों को ड्रॉ करनी है डायग्राम, नहीं हो रहा। ओके, अरे 1 साल का टाइम दिया था तुम लोगों को ये सीखने के लिए मैंने। चलो देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे इसमें। तो हो गया। ओके, देखो गाइस, जिस किसी को डिफिकल्ट जा रहा है, व्हाट यू कैन डू, तुम लोग एक बड़ा क्यूब बनाओ। जिन लोगों को डिफिकल्ट जा रहा है, तुम लोग क्या कर सकते हो, एक बड़ा क्यूब बनाओ। ठीक है, ऐसा एक बड़ा क्यूब बनाओ। एंड फिर उस क्यूब को हाफ में कट करो, उस क्यूब को हाफ में कट करो। ये हो गए 2 क्यूब, दिख रहे हैं, बहुत सिंपल है। एंड फिर उन 2 क्यूब्स को भी वापस हाफ में कट करो, और ये बन गए 4 क्यूब। आर्किटेक्ट आराम से कर सकते हैं, ये इजीली कर लेते हैं। पढ़ाया है मैंने नाठा के स्टूडेंट्स को, बहुत बार पढ़ाया ये चैप्टर, तो उनको जम जाता है ये सब। हाँ, बीच में एक लाइन बाकी रह गई है, करेक्ट बोल रहे हो। ओके, तो बस तुम लोगों को इतना ही करना है। अब ये और भी खतरनाक लग रहा होगा, तो सॉरी आई कांट हेल्प इट, बट तुम लोगों को इससे भी भयंकर डायग्राम्स बनानी है यहाँ पे। ठीक है गाइस, चलो अब इनमें हम लोगों को नाम लिखना है हर एक चीज का। तो देखो, ये जो कॉर्नर्स पे एटम्स रहने वाले हैं, ये इन कॉर्नर्स पे जो एटम्स रहने वाले हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट। ठीक है, इन्हें हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट। ठीक है, अब एक छोटे से पार्ट को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल, एक छोटे से पार्ट को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। एंड लैटिस पॉइंट से बनता है यूनिट सेल, लैटिस पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो तुम लोगों को मिलती है यूनिट सेल, एंड यूनिट सेल्स को कनेक्ट करोगे तो तुम लोगों को मिलता है क्रिस्टल लैटिस। गाइस समझ में आ रहा है, लैटिस पॉइंट्स आर द पॉइंट इन स्पेस विच फॉर्म्स यूनिट सेल्स व्हेन वी कनेक्ट देम। ठीक है, व्हेन वी कनेक्ट यूनिट सेल्स वी गेट क्रिस्टल लैटिस। तो प्लीज ड्रॉ इट। यप, मेरी ड्राइंग थोड़ी बहुत अच्छी है, बना लेता हूं मैं। तुम लोगों को मैंने इसके ऊपर ड्रॉ की हुई चीजें बताई थी ना, मतलब इस ग्रीन स्क्रीन के ऊपर मैंने थोड़ी बहुत चीजें ड्रॉ की थी, वो स्टार्टिंग में जब मैं मुझे प्रैक्टिस की जरूरत थी। मैं पोर्ट्रेट वोर्ट्रेट नहीं बनाता मैं, इतना इतनी मेहनत नहीं लेता मैं। ए, नारुतो नहीं था वो, कौन है भाई नारुतो वाला, ये पता नहीं रहता तो नाम मत लिया करो। अच्छा नहीं, जिन लोगों को नहीं दिखा ये आज मैं दिखाऊंगा। अरे वो डोरेमोन वोरेमोन नहीं, वो तो टाइम पास था, वो टाइम पास था। मैं बाद में वापस तुम लोगों को एक प्रॉपर ड्रॉइंग बताता हूँ जो मैंने की थी। ट्रेन भी नहीं रे, वो सब अलग है। ओके, अब लेक्चर के बाद जब रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी तब बताऊंगा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट यूनिट सेल अगर तुम लोगों को पता चल गए तो इसमें और कुछ नहीं है, अभी हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखने वाले हैं। नई नक्षत्र देखना पड़ेगा, मैंने मतलब नाम सुना है, देखा नहीं है। ओके, चलेगा, हम ड्रॉ करेंगे। अब लेट्स स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल।
ठीक है। यूनिट सेल के टाइप्स हम लोग देखने वाले हैं। यूनिट सेल के टाइप जो रहते हैं वो तीन टाइप के रहते हैं, मेजरली हम लोग तीन टाइप के यूनिट सेल्स देखते हैं, ठीक है। तो यूनिट सेल फर्स्ट इट इज डिवाइडेड इनटू यूनिट सेल फर्स्ट इट इज डिवाइडेड इनटू प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड, ठीक है। इसके दो टाइप है, पहला टाइप आता है प्रिमिटिव और दूसरा आता है सेंटर्ड। फर्स्ट इज प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेकेंड वन इज सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब प्रिमिटिव को हम लोग बहुत सी बार बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। प्रिमिटिव को हम लोग बहुत सी बार बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल, और इतना बड़ा नाम हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, विल जस्ट कॉल इट एस सी सी, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एस सी सी। एंड सेकेंड इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, सेकेंड इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, सेकेंड इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल में सबसे पहले आता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल, जिसे हम लोग बोलेंगे बीसीसी। सेकेंड इज स्पेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम लोग बोलेंगे एफसीसी। एंड थर्ड जो बहुत रेयरली यूज होगा, एंड सेंटर्ड, जिसे हम लोग बोलेंगे कुछ नहीं बोलते इसे, ठीक है। इसे हम लोग कुछ भी नहीं बोलते, तो वो बीबीसी नहीं है रे, ओके। एनी तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मतलब क्या है, तो नॉर्मल क्यूबिक यूनिट सेल, सिर्फ एक क्यूब रहने वाले, ठीक है। एज सेंटर्ड भी मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, एज सेंटर्ड पे भी आएंगे हम लोग। तो एज सेंटर्ड क्या, हम लोग एचसीवी भी पढ़ेंगे, बट डोंट वरी, मेजर जो क्लासिफिकेशन है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो गाइस, एक नॉर्मल क्यूब बनाओ, इसे हम लोग बोलते हैं एक नॉर्मल क्यूबिक यूनिट सेल, इसे हम लोग बोलते हैं एक नॉर्मल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है गाइस। अब यहां पे अगर सिर्फ कॉर्नर पे एटम्स है यूनिट सेल के, अगर सिर्फ कॉर्नर पे एटम्स है तो हम लोग बोलेंगे इसे सिंपल क्यूबिक सेल, इसे हम लोग बोलेंगे सिंपल क्यूबिक सेल, ऑल्सो कॉल्ड एज एस सी सी, ठीक है। अब गाइस मुझे बताओ, यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर हम लोग देखेंगे, अगर इन दोनों के बीच में हम लोग देखेंगे, दिस इज स्पेस सेंटर्ड गाइस, दिस इज स्पेस सेंटर्ड, ठीक है, ओके। तो अब मुझे बताओ, दो एटम्स के बीच में तुम लोगों को अच्छा खासा स्पेस दिख रहा है, दो एटम्स के बीच में तुम लोगों को अच्छा खासा स्पेस दिख रहा है और बीच में एक लाइन दिख रही है, मुझे बताओ ऐसा कुछ एक्चुअली रहता है, और दीज एटम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये दो एटम्स एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये दो एटम्स कर रहे हैं, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइज एक तुम लोगों को 3D व्यू भी बताना है, ठीक है। याद रखो, हम लोग जो यूनिट सेल बनाते हैं दैट यूनिट सेल इज इमेजिनरी, हम लोग जो यूनिट सेल बनाते हैं दैट यूनिट सेल इज इमेजिनरी, एंड एक्चुअल में दो एटम्स एक दूसरे को टच करते रहते हैं, दो एटम्स एक दूसरे को कंटिन्यूसली टच करते रहते हैं, बट यूनिट सेल में हम लोग वो दिखा नहीं पाते हैं, बिकॉज वैसा ड्रॉ करेंगे तो डायग्राम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी एंड स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस रिमेंबर दिस, कॉर्नर पे जो एटम्स प्रेजेंट है, कॉर्नर पे जो एटम्स प्रेजेंट है वो कैसे दिखते हैं, तो देखो वो ऐसा कुछ रहता है, ये फर्स्ट एटम, ठीक है, ये सेकेंड एटम, ये थर्ड एटम एंड ये फोर्थ एटम। गाइस आर यू गेटिंग इट, कि ये एक दूसरे को कैसे टच कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? बहुत लोग इसको पहले से थोड़ा पढ़ के आए हैं लगता है। तो गाइस याद रखो, ये ऐसा कुछ है। अब ऊपर से भी एक डायग्राम तुम लोग भी ऐसे 3D व्यू में बना लेना, सो दैट तुम लोगों को भी समझ में आए, याद रहे।
ऐसा कुछ है। तो ये ऐसे कुछ दिखता है जब निंजा स्टार, करेक्ट। एंड समझ में आ गया होगा तुम लोगों को मुझे क्या बोलना है, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये अगर इतना पार्ट देखोगे, मतलब ये फर्स्ट एटम का अगर इतना पार्ट देखोगे, इज इट अ कंप्लीट एटम और अ पार्ट ऑफ एटम? इज इट अ कंप्लीट एटम और अ पार्ट ऑफ एटम? नो, इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ एटम, ठीक है। तभी एक एटम का कितना पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर है वो हम लोगों को विजुअलाइज कर रहे हैं। एक एटम का कितना पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर आता है वो हम लोगों को विजुअलाइज करना है, ठीक है। तो चलो विजुअलाइज करने में मदद करता हूं मैं तुम लोगों को। ओके, एक कॉर्नर कितने यूनिट सेल से घिरा हुआ है वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अब गाइस तुम लोग मुझे बताओ, सोचो अच्छे से सोचो। देखो मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ। तुम लोगों ने एक घर बनाया, घर खरीदा, ठीक है। बहुत वियर्ड घर है, अच्छे से सुनना, बहुत वियर्ड घर है, जिसमें मतलब किसी एक बिल्डिंग के अंदर घर है, बट उस बिल्डिंग के अंदर लॉबी वॉबी नहीं है, हॉल्स एंड ऑल कुछ नहीं है, सिर्फ घर रूम्स बने, ठीक है। और सारे रूम्स एक दूसरे को कनेक्टेड है। तो ये देखो, ये पहला रूम आया, ये तुम लोगों का घर है, ठीक है। ये तुम लोगों का घर है, इसके अंदर तुम लोगों, अब मुझे बताओ तुम लोगों के बाजू में घर रहेगा क्या? तुम लोगों के बाजू में घर रहेगा क्या? सारे घर घर कनेक्टेड है ना, तो तुम लोगों के बाजू में भी एक घर रहेगा। ओके, तुम लोग मुझे बोल रहे हो तो बाजू में एक घर है, ठीक है। अब मुझे बताओ तुम लोगों के ऊपर घर रहेगा क्या? ऊपर भी घर रहेगा, करेक्ट बोल रहे हो, चलो तुम लोग बोल रहे हो, मान लेते ऊपर भी घर है, ठीक है। अब मुझे बताओ तुम लोगों के बाजू वाले के ऊपर घर रहेगा क्या? तुम लोगों के बाजू वाले के ऊपर घर रहेगा क्या? ऑब्वियसली उसके ऊपर भी घर रहना ही चाहिए। अब मुझे बताओ तुम लोगों के पीछे की तरफ घर रहेगा कि नहीं रहेगा? तुम लोगों के घर के पीछे घर रहेगा कि नहीं रहेगा? ओके, तुम लोगों के पीछे भी घर रहेगा, ठीक है। तो ये तुम लोगों के पीछे वाला घर, अब उसको हम लोग सिर्फ ऐसे मतलब 2D में दिखा रहे हैं, ठीक है। ये 2D डायग्राम है, तो प्लीज समझ के लेना, 2D डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब मुझे बताओ तुम लोगों के बाजू वाले के पीछे घर रहेगा कि नहीं रहेगा? तुम लोगों के बाजू वाले के पीछे घर रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। अब मुझे बताओ तुम लोगों के ऊपर वाले के पीछे घर रहेगा या नहीं रहेगा? तुम लोगों के ऊपर वाले के पीछे भी शायद से घर रहेगा, एंड तुम लोगों के बाजू वाले के ऊपर वाले के पीछे भी घर रहेगा। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर इसको क्यूब के फॉर्म में एक्चुअली बनाऊँ, मतलब ये मैंने तुम लोगों को सिंपल 2D डायग्राम बनाई है, ठीक है। अगर मैं इनको क्यूब के फॉर्म में बनाता तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता, तो मैंने सिंपल फॉर्म में रखा है। अब मुझे बताओ, बहुत घर है, करेक्ट बोल रहा हूँ। अब मुझे बताओ तुम लोगों के घर का एक कॉर्नर, तुम लोगों के एक घर का कॉर्नर, देखो अच्छे से सुनना, तुम्हारे घर में तो है, तुम्हारे बाजू वाले के घर में भी है, तुम्हारे ऊपर वाले के घर में भी है, और तुम लोगों के ऊपर वाले के बाजू वाले के घर में भी है। तो पहले तो तुम्हारे घर का कॉर्नर, एक कॉर्नर वो चार घर के बीच में शेयर हो रहा है, ये सबको हजम हो रहा है। तुम्हारे घर का एक कॉर्नर चार घरों के बीच में शेयर हो रहा है। अब मुझे बताओ वही एक कॉर्नर, समझ लो पीछे वाला कॉर्नर था, तो तुम्हारे घर के पीछे भी तो चार घर है ना, तुम्हारे घर के पीछे भी तो चार घर है, तो ये कॉर्नर पीछे वाले चार के साथ भी शेयर होगा। आर यू गेटिंग इट? कि ये कॉर्नर पीछे वाले चार के साथ भी शेयर होगा। तो मुझे बताओ एक घर का कॉर्नर, गाइस देखो जब हम लोग ऑफलाइन में रहते थे तो मैं तुम लोगों को डायरेक्ट ऐसे मतलब बता देता कि ये कॉर्नर वो कॉर्नर, क्यूब का डायरेक्ट एग्जाम्पल दे देता था, बट अभी तुम लोगों को डायग्रामेटिकली समझ के लेना है। तो आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि एक कॉर्नर टोटल कितने घरों के साथ शेयर्ड है, एक कॉर्नर कितने घरों के साथ शेयर्ड है, आठ घरों के साथ। तो एक कॉर्नर पे जो एटम रहेगा, एक कॉर्नर पे जो एटम रहेगा वो एक एटम, दैट एटम इज प्रेजेंट इन टोटल 8 यूनिट सेल्स, ठीक है। वन एटम इज शेयर्ड बिटवीन टोटल 8 यूनिट सेल्स। तो मुझे बताओ एक यूनिट सेल में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, एक यूनिट सेल में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा? परफेक्ट, 1/8 आएगा। गाइस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन
one unit cell. Contribution of corner atom लिखते हैं. Contribution of corner atom. ठीक है, कितना रहता है? तो ये रहता है 1/8. अभी भी अगर किसी को डाउट रहेगा तो हम लोग इसमें बड़ी एक डायग्राम बनाने भी वाले, उसमें मैं तुम लोगों को डेफिनेटली बता दूंगा. ठीक है, 8 क्यूब्स वाली मैं तुम लोगों को एक डायग्राम बना के दूंगा, डोंट वरी. ओके, तो मुझे बताओ. थैंक यू अर्णव. अब मुझे बताओ गाइज, नेक्स्ट अगर मैं पूछू टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक की बात चल रही है गाइज, तुम लोग भी ऐसा ही चार्ट बनाना, सिंपल क्यूबिक की हम लोग अभी तक बात कर रहे हैं. तो मैं अगर तुम लोगों को पूछू टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल, अगर ऐसा क्वेश्चन आया, नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल, ठीक है, इसे हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से. मुझे बताओ. ओके, कुछ लोगों ने आंसर करेक्ट दिया, कुछ लोगों ने आंसर हाफ करेक्ट दिया है. मुझे बताओ यहाँ पे एक यूनिट सेल के कॉर्नर बनाने के लिए कितने एटम्स लगे? 8 एटम्स लगे, तो टोटल 8 एटम्स आर देयर. एंड मुझे बताओ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वन एटम इज हाउ मच? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वन एटम इज हाउ मच? 1/8. तो 8 और 8 कैंसल आउट हो गए. मुझे बताओ सिंपल क्यूबिक में टोटल कितने एटम्स रहता है? सिंपल क्यूबिक में टोटल कितने एटम्स रहेंगे? फिर एक ही रहेगा. गाइज आर यू गेटिंग इट? इज इट क्लियर? देखो चैप्टर बहुत सिंपल है, सिर्फ तुम लोगों को ये कुछ चीजें याद रखनी है कि कॉन्ट्रीब्यूशन एट कॉर्नर इज 1/8 एंड फिर टोटल नंबर ऑफ एटम्स लोग इजिली निकाल पाओगे. ठीक है, ओके गाइज लेट मी रिपीट वंस अगेन. देखो कॉर्नर पे टोटल कितने एटम्स है? कॉर्नर पे टोटल कितने एटम्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. टोटल 8 एटम्स आर देयर. मुझे बताओ एक एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहता है यूनिट सेल के अंदर? एक एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन, ये इतना पार्ट जो था वो कितना था? दिस पार्ट इज 1/8. करेक्ट बोल रहे हो, दिस पार्ट इज 1/8. गाइस डोंट वरी, मैं तुम लोगों को अभी के लिए ये जो है वो थियरी में दिखा रहा हूँ, फिर बाद में मेरे मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन है उसमें भी मैं तुम लोगों को प्रॉपर डायग्राम्स बताऊंगा, 3D डायग्राम्स. पहले मेरा डिस्क्रिप्शन समझ लो, उसके बाद हम लोग डायग्रामेटिकली देखेंगे, एनिमेटेड देखेंगे. ठीक है, तो अब मुझे बताओ टोटल 8 एटम्स है, एक एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 रहता है. ठीक है, एक एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 रहता है, तो 8 एटम हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, तो 8 और 8 कैंसिल आउट हो जाएगा. यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स है? तो सिर्फ 1 एटम. समझ में आ रहा है? अगर ये छोटे छोटे पार्ट्स जो है उनको अगर हम लोग कनेक्ट करना स्टार्ट करें तो टोटल 1 एटम बन जाएगा. हाँ, उन्हें अगर टोटल यूनिट सेल के अंदर जितने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं उन्हें अगर हम लोग कनेक्ट कर दें तो हम लोगों को सिर्फ 1 ही एटम मिलेगा. डायग्राम तुम लोगों को प्रॉपरली बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोगों को सिर्फ खुद को समझ में आए उतना ही समझ डायग्राम बनाना है. ठीक है, जब स्पेरिकल फॉर्म में सिर्फ 1 ही एटम रहेगा. गाइज आई एम रिपीटिंग अगेन, तुम लोगों को मैं 3D व्यू इसका बताऊंगा, अभी के लिए तुम लोग जितना हो सके खुद विजुअलाइज करो. ठीक है, पहले से अगर देख लोगे तो तुम लोग खुद इमेजिन करना नहीं सीखोगे, इसलिए मैं पहले तुम लोगों को ऐसे बता रहा हूँ. अब डिफरेंट आइटम्स होंगे तो अजिंक्य हम लोग आयनिक कंपाउंड्स में वो देखेंगे, चैप्टर के एंडिंग में वो पार्ट आएगा, उस पर भी आएंगे हम लोग. अच्छा क्वेश्चन था भाई दबे. तो अब बॉडी सेंटर में क्या होगा गाइस? मुझे बताओ बॉडी सेंटर में क्या होगा? अगर क्यूब बनाना है, अगर हम लोगों को क्यूब बनाना है तो क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, क्यूब थोड़ी ना चेंज होगा. अब क्यूब अगर हम लोगों को बनाना है तो हम लोगों को डेफिनेटली कॉर्नर वाले एटम्स रिक्वायर्ड है. अब मुझे बताओ कॉर्नर के जो एटम्स हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था? 1/8 था. तो ये कॉर्नर वाले एटम्स तो रिक्वायर्ड है ही हम लोगों को क्यूब बनाने के लिए. उसके साथ बॉडी के सेंटर में एक एक्स्ट्रा एटम आएगा. करेक्ट बोल रहे हो. अब मुझे बताओ तुम लोगों के घर के बीच में एक एटम रख दिया तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन तुम्हारे घर के अंदर कितना है? आधा ही एटम है क्या? पूरा एटम है ना, तो कंप्लीट 1 आएगा. करेक्ट बोल रहे हो. तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर आइटम्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहता है? कॉर्नर आइटम्स का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 रहता है.
बट बॉडी सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा, पूरा बंद रहेगा, तो मुझे बताओ इसमें जेड कैसे आएगा, जेड टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, देखो कॉर्नर के एटम्स, कॉर्नर के एटम्स कितने हैं, आठ है, कॉर्नर के एटम आठ इंटू इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, वन बाई एट, दैट इज आर यू फॉलोइंग इट, ठीक है, प्लस बॉडी सेंटर का एटम एक, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन वन, ये कैंसल आउट हो जाएंगे एंड वॉट यू विल गेट, टोटल दो एटम्स है, इज इट क्लियर गाइज, इज इट क्लियर, ठीक है. वॉट इज द मीनिंग ऑफ फेस सेंटर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब में फेस क्या रहता है वो हम लोगों को पता रहना चाहिए, ठीक है, तो क्यूब में फेस एंड ऑल वो सारी इंफॉर्मेशन मैं तुम लोगों को लिख के दूंगा, बट अभी के लिए फेस सेंटर, फेस मतलब क्या, फेस क्यूब का फेस मतलब क्या रहता है, क्यूब की साइड जो रहती है, क्यूब की साइड जो रहती है उसे हम लोग बोलेंगे फेस, ठीक है, तो मुझे बताओ क्यूब में कितनी साइड्स रहती है, क्यूब में कितनी साइड्स रहती है, अपने घर पे देखो जरा कितनी साइड्स है, तुम्हारे घर में कितनी साइड्स है, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, छह साइड्स है गाइस, देखो तुम लोगों को मैं गिना के दिखाता हूँ साइड, तुम लोगों के सामने की तरफ एक दीवार रहेगी, तुम्हारे पीछे की तरफ एक दीवार रहेगी, तुम लोगों के राइट हैंड साइड पे एक दीवार रहेगी, तुम लोगों के लेफ्ट हैंड साइड पे एक दीवार रहेगी, तो चार दीवारें, ऊपर एक सीलिंग और नीचे जमीन, तो टोटल कितनी दीवारें हो गई या फिर कितनी साइड्स हो गई, छह साइड हो गई, ठीक है गाइस, लेट मी रिपीट अगेन, लेफ्ट राइट आगे पीछे चार दीवार, ऊपर सीलिंग या फिर टेरेस, करेक्ट बोल रहे हो, दोनों में से एक कोई तो, एंड अच्छा कोई तो एक टेरेस पे बैठा है, अगर टेरेस पे बैठे हो तो ऐसे मत करो, समझ में आया, एंड यू, एंड एक जमीन, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, छह फेसेस हो गए, एंड हर एक फेस के सेंटर में, तो देखो क्यूब बनाने के लिए कॉर्नर पे तो एटम्स आने ही वाले गाइस, ये समझ में आ रहा है, क्यूब बनाने के लिए कॉर्नर पे एटम्स आने ही वाले हैं, एंड फेस के ऊपर एक एक एटम, अब मुझे बताओ गाइस फेस पे कंट्रीब्यूशन कितना आना चाहिए, अब इतना तो तुम लोगों को खुद को ग्रास्प होने लग गया होगा चैप्टर में, फेस पे कंट्रीब्यूशन कितना आना चाहिए, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, तो देखो जिन लोगों को डाउट है, ये तुम लोगों का घर, ये तुम्हारे बाजू वाले का घर, एंड दोनों के घरों के दीवारों के बीच में, दोनों के घर के दीवार के बीच में एक एटम यहाँ पे अटैच कर दिया, मुझे बताओ इस एटम का कंट्रीब्यूशन तुम्हारे घर में कितना होगा और बाजू वाले के घर में कितना होगा, ओके, जिन लोगों के आंसर रॉन्ग थे उनको पूछ रहा हूँ, जिन लोगों के करेक्ट थे उनके लिए तो करेक्ट ही है, ओके वेरी नाइस, हाफ, आधा एटम तुम्हारे घर में, आधा एटम बाजू वाले के घर में, गाइस आर यू गेटिंग इट, आधा एटम तुम्हारे घर में, आधा एटम बाजू वाले के घर में, स्नेहा करेक्ट आंसर है, तो कॉर्नर वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, कॉर्नर वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, फेस सेंटर वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, टोटल कितना हो जाएगा, कॉर्नर के 8 एटम्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज 1/8, प्लस फेस सेंटर पे कितने एटम्स है, 6 इंटू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, अब 8 और 8 मर गए, 2 1s are 2 3s are, तो 1+3 कितना हो जाएगा, 4 एटम, तो फेस सेंटर में जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, Guys, are you getting it? ठीक है, I know correct answer था, ठीक है, okay, मतलब correct था, so finally end center जो है वो बहुत easy है, guys ये इतना part हमारे syllabus में है, इसमें एक edge center extra का हम लोग देखने वाले हैं, but बाद में देखेंगे, क्योंकि हम लोगों को और बहुत सारी theory की चीजें बाकी है, वो पहले cover करनी है, BCC प्लस FCC नहीं होता, हाँ मतलब वैसे होता है, हाँ अब जैसे बोल रहे हो उस हिसाब से होता है कि BCC में यहाँ पे बीच में एक आइटम आ गया, तो वैसे होता है, बट अगेन हमारे सिलेबस में उसका भी एक ही छोटा सा पार्ट है जो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, ओके, तो गाइज
एंड सेंटर, एंड सेंटर में क्या होगा, यूनिट सेल बनानी है तो एटम्स कॉर्नर पे तो आने ही वाले, यूनिट सेल अगर हम लोगों को बनानी है तो कॉर्नर के एटम्स तो रहने ही वाले, ठीक है। प्लस किसी भी दो एंड सेंटर पे, मतलब एंड के सेंटर मतलब क्या, तो दो अपोजिट साइड के या फिर दो अपोजिट फेसेस के सेंटर पे भी एटम्स रहते हैं, मतलब एक सीलिंग पे है तो दूसरा जमीन पे है, ठीक है। तो एनी टू अपोजिट फेसेस, करेक्ट बोल रहे हो। तो अगेन कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना गाइस, कॉर्नर पे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना 1/8, एंड स्पेस सेंटर पे कितना 1/2। अभी तुम लोग मुझे इसका जेड कितना आएगा बताओ, इसका जेड कितना आएगा, करेक्ट बोल रहे हो, करेक्ट बोल रहे हो शुभम मंदार, करेक्ट है। तो देखो 1/8 मतलब पहले कॉर्नर के 8 एटम, ठीक है निहारिका, करेक्ट बोल रहे हो, ओके। तो 1/8 कॉर्नर एटम्स प्लस इनटू 1/8 प्लस दो अपोजिट फेसेस के एटम, तो 2 × 1/2, ठीक है। अब करोगे क्या, 8 और 8 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, 1+1 विल बिकम 2। अगेन गाइस लेट मी रिपीट, कॉर्नर पे टोटल 8 एटम्स है, कॉर्नर के एटम्स कितने 8, प्लस दो अपोजिट फेसेस, एंड सेंटर मतलब क्या, तो दो अपोजिट एंड्स जो रहते हैं ऊपर नीचे आगे पीछे या फिर लेफ्ट और राइट, याद रखो ये जो दो एटम्स है वो ऊपर नीचे या नीचे ऐसा नहीं है, यू कैन ड्रॉ इट लेफ्ट टू राइट ऑल्सो, आगे और पीछे भी लिख सकते हो, ठीक है, दैट इज टोटली अप टू यू गाइज। एंड ये सिर्फ दो रहते हैं बट इतना याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे दो फेस सेंटर के आइटम, तो 8 × 1/8 प्लस 2 × 1/2 यू विल गेट 2, खत्म, ठीक है। तो गाइज दी यूजुअली इसे हम लोग एंड सेंटर ही बोलते हैं, बट तुम्हारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी इसको एक और एक नाम दिया है विच इज बेस सेंटर, ठीक है। ये तुम लोगों को और किसी भी बुक में नहीं दिखेगा, तुम लोग कोई भी बुक ओपन करके देखो, बेस सेंटर ये वर्ड नहीं है, बट इन्होंने कैसे पैदा किया मुझे नहीं पता, ठीक है। सुशांत आई कांट कमेंट ऑन दैट राइट नाउ, आई डोंट नो, ओके, टोटली डिपेंड्स ऑन महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ओके। तो कॉम्बिनेशन हो सकता है, करेक्ट बोल रहे हो, कुछ लोग क्वेश्चन मार्क्स सिर्फ सेंड कर रहे हैं, ओके। अच्छा एंड सेंटर को ईसी बोल सकते हैं क्या, तो यूजुअली हम लोग ये वर्ड यूज नहीं करते हैं, ठीक है। गाइज आज पहले लेक्चर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लेट स्टार्ट हुआ है, तो आज प्लीज ब्रेक मत मांगो, वैसे भी आज पूरी थियरी चालू है। अरे क्विज ऑन इनऑर्गेनिक ना, मैंने इनऑर्गेनिक की क्विज बना के रखी है एक्चुअली, तुम लोगों को नेक्स्ट क्विज मतलब अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की क्विज होने वाली है, और उसके बाद नेक्स्ट क्विज जो रहेगी वो नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड के ऊपर है, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्विज है, उसके बाद तुम लोगों को नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड की टेस्ट मिलने वाली है, क्विज मिलने वाली है, ठीक है। यस अक्षय, किसी भी अपोजिट फेसेस पे रह सकते हैं, किसी भी तीन पेयर में कहां पे भी रह सकता है। ये ब्रेक चाहिए गाइस तुम लोगों को, सच में आज कुछ पढ़ाया भी है क्या, मतलब ये टाइम पास ड्रॉइंग कर रहे हैं, मतलब बच्चों का खेल है ये। FCC में 1/2 कैसे, अरे देखो 1/2 कैसे एकदम सिंपल है, तुम लोगों के घर के दीवार के बीच में एक बॉल आके मैंने ऐसे चिपका दिया, मतलब ऐसे दो घर के बीच में एक ऐसे ड्रिल यूज करके होल किया, एंड उन दो दीवारों के बीच में मैंने ऐसे एक बॉल अटैच कर दिया, ठीक है। तो मुझे बताओ कैसे होगा, दोनों घरों के बीच में कैसे फुटबॉल शेयर हो रहा है, ऐसे इमेजिन करो, तो आधा फुटबॉल तुम्हारे घर में, ये तुम, ये तुम्हारे बाजू वाली है, और आधा फुटबॉल उसके घर में, दोनों शेयर कर रहे हो, ठीक है। तो बस इतना ही होगा, ठीक है गाइस, एक 5 मिनट का ब्रेक लो, इतना रो रहे हो तो 9:25 को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, 9:25 को हम लोग कंटिन्यू करेंगे।
एक 5 मिनट का ब्रेक ले लो, चलो। चलो गाइस, ब्रेक इज स्टिल 9:25। अक्षय, वो यूजुअली अगर ऊपर नीचे होगा तो सिर्फ ऊपर नीचे ही रहेगा, ठीक है? तो हम सॉरी, मैं आपके क्वेश्चंस को देख नहीं रहा था, मतलब आपके क्वेश्चंस दिखे नहीं मुझे। क्या क्वेश्चन था आपका? कैन यू रीसेंड इट? ओके, ओनली क्यूबिक सिस्टम्स अस्तात? नहीं, क्यूबिक सिस्टम्स के अलावा भी सिस्टम रहते हैं जो हम लोग इसके बाद अभी कंटिन्यू करने ही वाले थे, स्टार्ट करने ही वाले थे, बट ब्रेक मिल गया ना तुम लोगों को, तो चलो ब्रेक थोड़ा एंजॉय करो 5 मिनट। ओके ऋतुजा, व्हाट इज योर डाउट? फ्लोर सीलिंग 2.5 में डाउट? फ्लोर सीलिंग 2.5 में डाउट मतलब समझा नहीं मुझे। आपको क्या बोलना है ऋतुजा, मुझे समझ में नहीं आया, सॉरी। इफ यू हैव माइक प्रिविलेजेस देन यू कैन यूज इट डायरेक्ट, बता सकते, पूछ सकते हो अनम्यूट होके। तो हेलो, हाँ सर, वो मुझे दैट इन लास्ट एंड सेंटर्ड केस आई डिडंट गेट वो 2.5 कैसे आ रहा है, मतलब फ्लोर एंड सीलिंग का कंट्रीब्यूशन। 2.5 थोड़ी ना है, ये 2×2.5 है ना, मतलब समझा नहीं। हाँ सर। हाँ तो ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सीलिंग का जो आइटम है, मतलब सीलिंग इन द सेंस जो ऊपर वाला आइटम है, उसका कंट्रीब्यूशन आधा रहेगा, एंड ये नीचे वाले फ्लोर का भी कंट्रीब्यूशन आधा। मतलब ये कैसे हो रहा है कि इट इज लाइक कि आपका जो घर है वो आपने जैसे बाजू वाले के साथ शेयर किया, वैसे ऊपर वाले और नीचे वाले के साथ भी शेयर किया। आपके ऊपर वाले फ्लोर पे भी कोई तो रह रहा है, नीचे वाले फ्लोर पे भी कोई तो रह रहा है, दिस इज यू, ठीक है? तो यहाँ पे जो एटम्स शेयर होंगे वो आधा आपके घर में आएगा और आधा दूसरे वाले के घर में जाएगा। तो देर आर टू एटम्स, वन इज ऑन योर हेड एंड वन इज ऑन योर बिलो योर लेग्स, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ देम इज हाफ। यही क्वेश्चन था क्या? ऐसा ही कुछ था सर। हाँ सर, बट साइड वॉल्स भी तो शेयर होंगी ना, तो इट वुड बी लाइक 2×2.5×3। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे सिर्फ एंड पे रहता है, मतलब ऊपर और नीचे ही रहता है, इनटू थ्री कैसे आएगा फिर? हाँ, आपने एक एक्स्ट्रा वाला ड्रॉ किया सर सामने वाले फेस पे, यही मेरे को भी कंफ्यूज कर रहा था 5 मिनट पहले। किधर एक्स्ट्रा वाला ड्रॉ किया, मतलब समझा नहीं मुझे। सर अगर आप क्यूब के बीच में बैठ रहे हो तो आपके सामने जो फेस है उस पे ड्रॉ किया है। ये बिलो, ये इस तुम लोगों को अंडरस्टैंडिंग करते वक्त गलत फील हो रहा है, ये ऐसे नीचे वाले फेस पे ही है, गेटिंग इट? ये जो रेड आइटम है वो नीचे वाले, क्योंकि काउंट करके देखो हाउ मेनी आइटम्स आर देयर, वेट अ मिनट, हाउ मेनी आइटम्स आर देयर, वन कॉर्नर वाले 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 आइटम्स एट कॉर्नर, बाद में वन आइटम ऑन अबव फेस एंड वन आइटम ऑन बिलो फेस, तो सिर्फ 10 आइटम्स है यहाँ पे, कुछ एक्स्ट्रा आइटम ड्रॉ किए नहीं है हम लोगों ने। ओके चलो गाइस, कंप्लीटेड एंड एंजॉय योर ब्रेक, 2 मिनट बाकी अभी। इलेवेंथ के टेस्ट के लिए तुम लोगों को पूरा नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड आने वाला है, एंड बैच वन। हाँ क्या है बैच वन,
स्टूडेंट्स का वाइवा, अरे क्यों नहीं लूंगा। कौन से ब्रांच की बात कर रहे हो? बैच वन का भी तो हुआ है ना। ओके एक्चुअली वाइवा के मैसेजेस मैं नहीं सेंड करता, तो अगर नहीं हुआ होगा तो डेफिनेटली होगी, क्यों ना हो। देखता हूँ मैं एक बार, बोल बात करके देखता हूँ। सर, कल आपको बताने वाले थे ना कुछ तो प्लान वाला मीटिंग में। क्या 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 कल जो मीटिंग हुआ उसमें आप केमिस्ट्री का प्लानर बताने वाले थे ना। नहीं, केमिस्ट्री का प्लानर नहीं, क्योंकि हम लोगों के केमिस्ट्री का सिलेबस ही अभी तक हुआ नहीं है ना इसलिए, बट सेम प्लानर रहने वाला है। सेम प्लानर, पहले हम लोग थियरी करेंगे, अगर फिजिकल है तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला सारे के सारे लिख के ले लेंगे एक ही टाइम पे। एंड सिमिलरली जो कुछ थोड़ा बहुत थियरी का पार्ट है वो रिवाइज करेंगे, एंड उसके बाद विल स्टार्ट। वैसे सेम मतलब जैसे तुम लोग फिजिक्स में करने वाले हो, देन तुम लोगों का एक लेक्चर होगा जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्विंग होगी, सेम प्लानर रहेगा ऑलमोस्ट, सिर्फ तुम लोगों को टाइम्स नहीं मिलेंगे। एंड या केमिस्ट्री इज नॉट बोरिंग, वही अभी क्या बोले, मैथ्स और फिजिक्स वालों को क्या बताएं, छोड़ो, लोग इधर बदनाम कर रहे थे केमिस्ट्री को, तुम लोगों को सर बोलना चाहिए उधर क्या। सर डोंट चलो, वरी हमने बोला ही सर, नहीं। आधा ऑफ द पॉपुलेशन द नीड पीपल आर ओके विद केमिस्ट्री व्हिच इज हाफ ऑफ द नो, पॉपुलेशन सो चिल सर, गुस्सा क्यों आप बोल होते हो? सकते हैं गुस्सा इन द सेंस, अब क्या बोल सकते हैं, छोड़ो, अगर लोग ऐसे बोलते हैं सर तो चिल जो है। मारो, अपने अपने चॉइसेस है वो भी है। सर, वो मैच वालों को ही प्रॉब्लम आता है नहीं, गेम में। आतिफ सर को बहुत प्रॉब्लम है, आतिफ सर को बहुत प्रॉब्लम है, इवन ही हैज प्रॉब्लम विद मी, क्या बोल सकते हैं अभी। ही जस्ट हेट्स केमिस्ट्री, पता नहीं क्यों, और केमिस्ट्री पढ़ाने वाले भी अपेरेंटली बेचारा मैं। एनीवे तो चलो कंटिन्यू करें गाइस। ओके रिकॉर्डिंग चालू है, हाँ तो सुन लेंगे तो आतिफ सर को भी, हाँ कर सकते हैं, फिर बताना मत उनको मैंने ऐसे कुछ बोला। ओके तो ब्रेक इज ओवर गाइस, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो अब अच्छा मैंने क्या बोला, बहुत लोगों ने सुना नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग में सुन लेना, अभी क्या कर सकते हैं। ओके सर ओके तो सर, यहाँ की बातें यहाँ ही रह जाएंगी। हाँ तो ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हाँ आतिफ सर वॉज गुड इन फिजिकल केम, मुझे भी उन्होंने वही बोला था, बट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से उनको जमता नहीं था, आई नो। ओके तो चलो कंटिन्यू करते हैं गाइस। नाउ वी विल स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ लेटेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ लेटेस। टाइप्स ऑफ लेटेस एंड उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वन डे लेटेस। वन डे लेटेस, अब वन डे लेटेस कैसे एग्जिस्ट करेगा गाइस, वन डे लेटेस कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो ये याद रखो एटम ये वनडी नहीं रहता, एटम ये वनडी नहीं रहता, एटम इज अ थ्री डायमेंशनल स्पीशीज, बट अगर वो हम लोग एक सिंगल लाइन में एग्जिस्ट करें, मतलब सिंगल लाइन में ऐसे खड़े कर दें उनको, तो वील से इट इज अ वनडी लैटिस, ठीक है। लैटिस मतलब क्या, अरे बहुत सारी यूनिट सेल्स जब कंबाइन होती है, बहुत सारी यूनिट सेल्स जब कंबाइन होती है तो हम लोग बोलते हैं लैटिस बन गया, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो व्हेन यूनिट सेल्स आर रिपीटेड इन थ्री डायमेंशन देन वील से दे हैव फॉर्म्ड वन लैटिस, ठीक है, करेक्ट। अब जब हम लोग इनको ऐसे एक सिंगल लाइन में स्ट्रेट अवे खड़े करते जाएंगे तो वील से एक लैटिस फॉर्म हो गया, ठीक है, विच इज अ वन डी लैटिस। बहुत बहुत प्रणव, बहुत करता हूँ। ओके तो एनी हो चलो, सेकेंड टू डी लैटिस। टू डी लैटिस कैसे होगा गाइज, रिमेंबर दिस, वन डी लैटिस में तुम लोगों को सिर्फ एक ही पैरामीटर मिलता है, कौन सा, तो दो एटम्स के बीच की एज लेंथ, ठीक है, दो एटम्स के बीच की एज लेंथ, इतना ही हम लोग निकाल सकते हैं, और वन डी लैटिस हम लोग स्टडी करते ही नहीं है बिकॉज वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है, वो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, सिर्फ थियरी में एग्जिस्ट करते हैं, एक्चुअल में नहीं करते, ठीक है। टू डी लैटिस इवन दे विल नॉट एग्जिस्ट, थियरी में एग्जिस्ट करेंगे एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो टू डी लैटिस के एग्जाम्पल देखते हैं, देखो अगर
एटम्स को हम लोगों ने ऐसे अरेंज किया, एक दो तीन चार, अगर हम लोगों ने ऐसे कुछ अरेंज किया तो ये बन गया टू डायमेंशन शीट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड ये हो गया तुम लोगों के 2D लैटिस का एग्जांपल भी, ठीक है, थोड़े एक्स्ट्रा के एटम्स बना लेता है। अब इसमें टोटल पांच, इसमें टोटल कितने, तो पांच लैटिस बन सकते हैं, पांच टाइप रहते हैं इनके। अब इनके पांच टाइप कौन से रहते हैं वो देख ले रहे हैं। देखो सबसे पहले अगर समझो, ये ऐसे भी फालतू क्वेश्चन आते हैं गाइस, ये ऐसे फालतू क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, लोगों को MCQs में तो दिखेगा, आज तक JEE में नहीं आया। दिख रहा है फर्स्ट टाइप जिसमें तुम लोगों को स्क्वायर मिल गया, ये सेकंड टाइप दिख रहा है जिसमें तुम लोगों को रेक्टेंगल मिल गया, दिस इज थर्ड टाइप रॉम्बस, रॉम्बस नहीं सॉरी, ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, एंड दिस इज अ थर्ड टाइप रॉम्बस बन गया, सॉरी फोर्थ टाइप रॉम्बस बन गया, ठीक है, यप दिस इज ट्रॉपेजियम ऑल्सो, तो ये रंगोली, ठीक है, दिवाली में इस टाइम ये सब ट्राई करते बैठना। तो ट्राइंगल नहीं, लैटिस ट्राइंगुलर फॉर्म में कैसे होगा, मतलब तो फिर ये मतलब हर एक में ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा ही ना, ये देखो यहाँ पे भी ट्राइंगल बन गया, फिर ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, तो हर एक में ट्राइंगल तो अपने आप आ जाएंगे, तो लैटिस हमेशा थोड़ा सा, ओके, तो अभी यहाँ पे चार ही टाइप दिखेंगे, ठीक है, तो तुम लोगों के दिमाग में रहेगा ऊपर पांच है, यहाँ पे चार ही बन रहा है, बिकॉज पांचवी टाइप जो है वो एक स्पेशल अरेंजमेंट में ही बनती है। अब स्पेशल अरेंजमेंट कौन सी, तो जिसमें एटम्स ऐसे अरेंज रहते हैं। अब ये दोनों टाइप की अरेंजमेंट हम लोगों ने पहले पढ़ी है, सिर्फ कहाँ पे पढ़ी है वो तुम लोग भूल गए रहोगे। चलो मैं याद दिलवा देता हूँ तुम लोगों को ये कहाँ पे पड़ा है। बाय द वे आप मुझे बताओ ये कौन सा लैटिस बन गया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज हेक्सागन, ठीक है, तो एज लेंथ मतलब ए, गाइज यहाँ पे मैंने जो डिस्टेंस बताया है दैट इज कॉल्ड एज एज लेंथ, दैट इज कॉल्ड एज एज लेंथ, ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन टाइप करेक्ट बोल रहे हो। अब ये हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा है गाइज, देखो ये जो फर्स्ट टाइप था इसमें अगर मैं इसे ए लेयर बोलूं तो उसके नीचे वाली सेम एग्जैक्ट लेयर है, तो इसे भी मैं ए लेयर बोलूंगा, इसे भी मैं ए लेयर बोलूंगा, इसे भी मैं ए लेयर बोलूंगा, तो दिस इज ए ए ए टाइप अरेंजमेंट, दिस इज ए ए ए टाइप अरेंजमेंट एफ लैटिस, ठीक है, एंड इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये ए है तो ये बी हो गई क्योंकि वो थोड़ी साइड में लेयर आ गई, एंड ये सी लेयर हो गई, सॉरी सी नहीं ए लेयर हो गई, ए बी ए, ठीक है, तो दिस इज ए बी ए टाइप अरेंजमेंट। गाइस कुछ याद आ रहे कहाँ पे पढ़ा था ये, ग्रेफाइट और इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट करेक्ट बोल रहे हो, स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड परफेक्ट, ठीक है, दिस वाज एक्लिप्स्ड, देखो एक आइटम दूसरे आइटम को एक्लिप्स कर रहा है, ढक दे रहा है, एंड यहाँ पे दिस इज स्टैगर्ड, एक आइटम दूसरे आइटम से थोड़ा टिल्टेड पोजिशन में है, ठीक है, तो बस खत्म। गाइस देखो ये टॉपिक फुल ऐसे ही टाइम पास से भरा हुआ है, इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला आएगा, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला आएगा, बाकी तुम लोगों के ज्योमेट्री के रूल्स अप्लाई होंगे जो तुम लोगों ने टेंथ में पढ़े हैं, ठीक है, टेंथ के मैथमेटिक्स के रूल्स मैक्सिमम, ज्यादा कुछ नहीं, एंड यब यहाँ पे मैथ्स का रूल आ गया अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, ओके, तो चलो कंटिन्यू करो। ओके तो गाइस यहाँ पे टोटल पांच हो गए, अब हम लोग 3D लैटिस के बारे में समझने वाले हैं, एंड 3D लैटिस में टोटल सात अरेंजमेंट रहती है, कितने टाइप की अरेंजमेंट रहती है, टोटल सात टाइप की अरेंजमेंट रहती है। नहीं मंदार बिल्कुल नहीं, तो चलो नेक्स्ट 3D टाइप, ठीक है, 3D लैटिस
थर्ड इज थ्री लैटिस. अब थ्री लैटिस क्या है, लेक्चर एक्सटेंड नहीं करूंगा मैं, ठीक है. अभी क्या कर सकते हैं, मैं ही भूल गया लेक्चर का टाइमिंग, तुम लोगों की सजा दूँ उसकी. तो थ्री लैटिस में हम लोगों को 7 टाइप के अरेंजमेंट पता रहने चाहिए, ठीक है. एंड उसके लिए हम लोगों को एकदम, ठीक है, हम लोगों को एकदम सिंपल शॉर्टकट याद रखना है, ठीक है. पहले तो तुम लोगों को इनके नाम पता रहने चाहिए, एंड इसमें कौन से पैरामीटर्स हम लोग यूज करते हैं वो पता रहना चाहिए, ठीक है. तो पैरामीटर्स इन थ्री डी लैटिस, पैरामीटर्स इन थ्री डी लैटिस, इसमें कौन से पैरामीटर यूज होते हैं, ठीक है. तो पैरामीटर्स देखते हैं इनके. पहली बात, अगर मेरे पास एक परफेक्ट क्यूब आ गया, तो वो क्यूब के अंदर कौन से पैरामीटर में काउंट कर सकता है वो हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है. मुझे बताओ, क्यूब में तुम लोगों को हाइट और विड्थ दिख रही है, हाइट और विड्थ, उसके साथ तुम लोगों को अभी लेंथ भी दिखना स्टार्ट हो गई होगी. ऐसा क्यूब नहीं बनाते हैं प्रॉपर, अपना बचपन में जो ड्रॉ करते थे वही क्यूब बनाते हैं, ठीक है. ये हाइट और विड्थ आ गई. एंड इसको जैसे हम लोगों ने लेंथ भी दे दी तो ये 3D बन गया, ठीक है. अब थ्री डायमेंशनल की पैरामीटर्स. अब मुझे बताओ, यहाँ पे टोटल कितनी डिस्टेंसेस या फिर लेंथ तुम लोग काउंट कर सकते हो. एक तुम लोग हाइट काउंट कर सकते हो, फिर तुम लोग विड्थ काउंट कर सकते हो, तीसरे तुम लोग लेंथ काउंट कर सकते हो, ठीक है. तो टोटल कितने पैरामीटर्स हो गए गाइस, टोटल कितने पैरामीटर्स हो गए. ये पहले 3 पैरामीटर्स हो गए, ठीक है, जिन्हें हम लोग ए बी सी बोलते हैं. याद रखो, हमेशा ये ए बी और सी सेम ही रहते हैं, एक हाथ दूसरा रेयर एग्जांपल आएगा जिसमें ये डिफरेंट आ सकते हैं, ठीक है. अब अगेन, एंगल यहाँ पे कितने आएंगे, देखो यहाँ पे एंगल कौन से टाइप के आ सकते हैं. यहाँ पे ए और बी के बीच का एंगल आ सकता है, करेक्ट. 3 टाइप के एंगल आएंगे, करेक्ट बोल रहे हो. यहाँ पे ए और बी के बीच का एंगल आ सकता है जिसे हम लोग बोलते हैं गामा, ठीक है. बी और सी के बीच का एंगल आ सकता है जिसे हम लोग बोलते हैं अल्फा. अब ए और सी के बीच का भी एंगल आ सकता है. गाइस देखो, अगर ये हाइट ए है तो ये वाली हाइट भी ए रहेगी, ये मुझे बताने की जरूरत है क्या. अगर एक तरफ की हाइट ए है तो दूसरे तरफ की भी क्यूब की हाइट ए ही रहेगी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना. अब ए और सी के बीच का एंगल, ये देखो ए और सी के बीच का एंगल, गाइस अच्छे से देखना, यहाँ पे तुम लोगों को 3D में चीजें समझ में आनी चाहिए. इसे हम लोग बोलेंगे बीटा, करेक्ट बोल रहे हो. याद रखो, ए बी सी वैसे ए बीटा सी, ए बी सी वैसे ए बी गामा, एंड ए बी सी जैसे अल्फा बी सी, ठीक है. तो क्यूब के एंगल्स हमेशा सेम रहे ऐसे कंपलसरी नहीं है. 3D लैटिस में अगर हम लोग सोचने जाएंगे तो एंगल्स चेंज हो सकते हैं एटम्स के अरेंजमेंट के वाइज, एंड उसकी वजह से टोटल 7 अरेंजमेंट पॉसिबल रहती है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रेविस लैटिसेस. तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेविस लैटिसेस, ठीक है. तो ब्रेविस करके एक मैथमेटिशियन थे, यहाँ पे भी मैथ्स आ गया मनुष. तो ब्रेविस करके एक लेटर ये थे, मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने हम लोगों को मैथमेटिकली प्रूव करके बताया था कि 3D लैटिस में टोटल 7 अरेंजमेंट ही पॉसिबल है, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है. तो अजिंक्य, आई वॉज ट्राइंग टू अवॉइड दैट पॉइंट, ठीक है. ओके, चलो मैथ्स के बारे में बुरा नहीं बोलते हैं, बट स्टिल. तो ये दिस इज गिवन बाय अ मैथमेटिशियन, एंड अब उन्होंने हम लोगों को टोटल 7 लैटिस दिए थे. कितने दिए थे, 7 लैटिस. कौन से दिए थे, सबसे पहले आता है सिंपल क्यूबिक, सबसे पहले आते हैं तो यहाँ पे उनके नाम, ठीक है. फिर उनके पैरामीटर्स, इनके नाम, फिर उनके पैरामीटर्स. गाइस अगेन चार्ट बनाने वाले हैं, एंड फिर उसकी टाइप, ठीक है. फिर उसकी टाइप ऑफ यूनिट सेल, ठीक है. यूसी मतलब यूनिट सेल, ठीक है. ओके, तो चलो गाइस ये पहले लिख दो, तुम लोगों का लिखना आएगा बाकी है अभी भी. तो प्लीज कंप्लीट दिस एंड देन विल कंटिन्यू.
सर कौन सा लैटिस है क्या? अभी तक हम लोगों ने लैटिस बनाया नहीं है, ये जो हम लोगों ने बनाया है वो जस्ट नाम क्या है कौन से लैटिस का? वो मैथमेटिशियन का नाम अच्छा ब्रेवियस BRAVAC स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, बाद में एक बार देख लेना ये नहीं से रीड आउट करो। अच्छा BRAVAC जो कि रॉन्ग होगा ही, ऐसा आना चाहिए यहाँ पे ब्रेवियस, बाद में देख लेना स्पेलिंग ठीक है। ओके व्हाट इज यूसी? यूसी इज अ यूनिट सेल, बोलो स्पेलिंग मिस्टेक्स के ऊपर डिस्कस मत करना, बाकी कुछ भी बोलो। हाँ सर, वो जो एंगल्स है प्रीवियस लैटिस में उसमें अल्फा एवरी टाइम वो बी और सी के बीच में ही रहेगा, बी और सी के बीच में ही रहेगा। हाँ ओके, क्योंकि प्रणव स्मार्ट बोर्ड यूज करने के लिए मुझे बार बार गौरव सर के घर पे जाना पड़ेगा इसके लिए। ओके तो नेम, नाम पहले हम लोगों को नाम लिखने, गाइस याद रखो यहाँ पे तुम लोगों को हर एक नाम लिखने के बाद दो लाइंस छोड़नी है ठीक है, मतलब तीन तीन लाइंस का डिफरेंस रखना है हर एक में ठीक है। तो पहला हम लोग लिखेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ठीक है, तो क्यूबिक सेल क्यूबिक तुम लोगों को इसी ऑर्डर में इसको याद रखना है ठीक है। सेकेंड वन इज क्यूबिक, देन टेट्रागोनल, देन ऑर्थोरॉम्बिक, ऑर्थोरॉम्बिक, फोर्थ वन इज ट्राइक्लिनिक, इनमें से कुछ नाम तुम लोगों ने पहले सुना भी रहेंगे, ट्राइक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, सुना है क्या? मोनोक्लिनिक। सिक्स्थ वन इज हेक्सागोनल, काम करते हैं सिक्स्थ वन रोम्बोहेड्रल लिख देते हैं, रोम्बोहेड्रल, एंड सेवेंथ वन इज हेक्सागोनल ठीक है। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया हर एक के बीच में प्लीज तीन तीन लाइन छोड़ना ठीक है, सॉरी हर एक के बीच में दो दो लाइन, मतलब क्यूबिक लिखने के बाद दो लाइंस का स्पेस रखना, टेट्रागोनल लिखने के बाद दो लाइन, ऑर्थोरॉम्बिक लिखने के बाद दो लाइन ठीक है। फर्स्ट कॉलम में सिर्फ नाम आने वाले हैं, दैट्स इट नथिंग एल्स ठीक है, बट सेकंड और थर्ड कॉलम में एक से ज्यादा आएंगे। क्या 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 है आपका? फिफ्थ वन इज मोनोक्लिनिक। गाइस सिर्फ तुम लोगों को ये सात नाम याद रखने, इसी ऑर्डर में याद रखने ठीक है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल एंड हेक्सागोनल ठीक है। दिस इज ऑर्थोरॉम्बिक, ऑर्थोरॉम्बिक ठीक है, तुम लोगों ने रोम्बिक सुना है, ऑर्थोरॉम्बिक नहीं सुना होगा तो ऑर्थोरॉम्बिक। तो चलो लिख दो, कंप्लीट करो इसे। सर लास्ट वन कौन सा है? लास्ट वन इज हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। तो लास्ट वन इज हेक्सागोनल यूनिट सेल, जिसके बारे में हम लोग आराम से फुर्सत से पढ़ेंगे कि उसके अंदर कितने एटम्स रहते हैं एंड ऑल। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, अब क्यूबिक में पैरामीटर्स क्या आएंगे मुझे बताओ, क्यूबिक के पैरामीटर्स क्या आएंगे? क्यूबिक के पैरामीटर्स सारे के सारे लेंथ जो है, एज लेंथ सारे के सारे इक्वल आएंगे ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा। गाइस इसके लिए मेरे पास एक न्यूमोनिक था एक्चुअली, बट वो मैं भूल गया हूँ और वो मेरे कॉन्सेप्ट बुक में मैंने लिखा था, वो भी मुझे मिलता नहीं है, तो इसलिए कुछ ट्रेन व्रेन ऐसे कुछ तो था अजीब सा, क्या था, फ्रॉम रशिया टू समथिंग ऐसे कुछ तो अजीब सा था, ई स्टैंड फॉर ट्रेन एंड ऑल। मैं देखता हूँ अगर मुझे वो मिल गया तो मैं तुम लोग को इसका न्यूमोनिक बता दूंगा। ओके अब देखो पहले तो सारे के सारे क्यूबिक है, तो एग्जैक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब, तो सारे लेंथ जो है एज लेंथ सारे के सारे सेम रहेंगे, सारे के सारे बॉन्ड एंगल भी सेम रहेंगे ठीक है। एंड बॉन्ड एंगल कितने के इक्वल रहेगा गाइस मुझे बताओ, क्यूब में बॉन्ड एंगल कितने के इक्वल होगा? 90 डिग्रीज करेक्ट बोल रहे हो,
ठीक है ओके। तो ओके अब आगे बढ़ते हैं। तो हम अच्छा न्यूमोनिक है बट ये ऑर्डर ऐसे ही हम लोगों को याद रखनी है ठीक है। तो अब हम लोगों को नेक्स्ट ये शॉर्टकट है गाइस, ये ऐसे कैसे याद रखना है, इसमें बहुत सी बार जेई में क्वेश्चन आया है। जेई में क्वेश्चन क्या आया है कि तुम लोगों को ये पैरामीटर्स दे दिए एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम ऑफ दैट लैटिस, ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो देखो सेकेंड वाले में तुम लोगों को भी ए इज इक्वल्स टू कैंसिल करना है, मतलब क्या, तो ए इज इक्वल्स टू बी बट ए एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। ठीक है गाइज, एक एक इज इक्वल्स टू कैंसिल आउट करते जा रहे हैं, दैट्स इट। इस ऑर्डर में याद रखोगे तो इजी जाएगा। ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब ऑर्थोरम्बिक में कैसे हो जाएगा, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी विच इज नॉट इक्वल्स टू सी, और एक इक्वल्स टू कैंसिल आउट कर दिया, बट ऑल एंगल्स आर स्टिल इक्वल टू ईच अदर। अब ट्राई क्लिनिक में क्या हो जाएगा, ओके गाइज मैंने यहाँ पे ऑर्डर उल्टी कर लिख दी थी, कैसे पता नहीं, पहले मोनोक्लिनिक आता है, मोनोक्लिनिक आता है पहले, उसके बाद ट्राई क्लिनिक आता है। पहले मोनोक्लिनिक आना चाहिए नहीं तो ऑर्डर मतलब हम लोगों का शॉर्टकट वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले आता है मोनोक्लिनिक एंड उसके बाद आता है ट्राई क्लिनिक। ठीक है तो अभी ट्राई क्लिनिक में कैसे होगा, ट्राई क्लिनिक में ए इज नॉट इक्वल्स टू बी विच इज नॉट इक्वल्स टू सी। ठीक है नाउ अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा एंड अल्फा बीटा आर इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब अल्फा और बीटा दोनों सेम है बट गामा इज नॉट इक्वल्स टू देम। ठीक है एंड ट्राई क्लिनिक सारे के सारे चीजें कैंसिल आउट कर दो, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा विच इज नॉट इक्वल्स टू गामा एंड नन ऑफ देम इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। समझ में आ रहा है गाइस। थर्ड की स्पेलिंग, अरे थर्ड की स्पेलिंग ओ आर टी एच ओ आर एच ओ एम बी आई सी, ऑर्थोरॉम्बिक। ठीक है अब रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल एग्जैक्टली फर्स्ट वन जैसा ही रहता है, फर्स्ट वन और लास्ट वन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस आएगा, वो क्या रहेगा, कोई गेस मारेगा, ए इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू सी, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा विच इज इक्वल्स टू गामा बट None of them is equals to 90 degrees। गैस तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अगर तुम लोग इसी ऑर्डर में याद रखोगे तो तुम लोगों को एक इज इक्वल्स टू कैंसिल आउट करते जाना है, दैट्स इट, एक इज इक्वल्स टू कैंसिल आउट करते जाना है, फाइनली सारे के सारे इक्वल है, सिर्फ 90 डिग्रीज नहीं रहेंगे। ठीक है एंड हेक्सागोनल, हेक्सागोनल तो सबसे इजीएस्ट हो जाता है, क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू बी विच इज नॉट इक्वल्स टू सी, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। गाइस मुझे बताओ हेक्सागोनल में एक एंगल कितना आएगा, हेक्सागोनल में एक एंगल आएगा 120 डिग्रीज। ठीक है ये कैसे दिखता है वो मैं तुम लोगों को अभी इधर ही बाजू में ड्रॉ करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है ओके तो ये हो गए उनके पैरामीटर्स। ठीक है इसके ऊपर पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर इसकी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हम लोग लिखेंगे। ठीक है इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन गाइस वो कैसे भी इसमें बना सकते हैं, हम तुम लोगों की विजुअलाइजेशन के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है कि तुम लोग इसको कितने अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो। तो बोलो टेबल एक बार जूम करके दिखाओ और अपने टाइप का नहीं दिया। नहीं नहीं करता हूँ मैं, जस्ट क्या बोल रहे हो आप, मैंने क्या करके नहीं दिया, टाइप्स ऑफ यूसी, हाँ वही टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हम लोग बाद में करेंगे, मैंने बोला पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इन सिक्स नन आर 90 डिग्री, करेक्ट बोल रहे हो, सिक्स में एक भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं रहेगा। ठीक है मैच सिक्स बॉक्स, बॉक्स आना चाहिए ना, मैच सिक्स बॉक्स इज एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है एंड फिर तुम लोगों को ए बी सी ऐसे ऑप्शन देंगे, अभी इन सात में से कौन सा आएगा वो तुम लोग मुझे बताओ। माचिस बॉक्स जो रहता है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल आएगा वो, ओके तो कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर दे भी दिया है तो स्वयं करेक्ट आंसर है, अक्षय करेक्ट आंसर है, तो हम मारी करेक्ट आंसर है एंड ओके
अक्षय करेक्ट है, ऋतुजा करेक्ट है, सोचो गाइस, सोच के आंसर देना। शुभांगी करेक्ट है, आदित्य करेक्ट है, एथ करेक्ट आंसर है। ओके, बहुत लोगों के आंसर है एक्चुअली, ऋषिकेश, क्रेश, निहारिका करेक्ट आंसर है, सिद्धि, प्रथमेश करेक्ट आंसर है, तुहिन, अथर्व करेक्ट है, श्रावणी, प्रणव, यश, मंदार, प्रणय करेक्ट आंसर है। ओके गाइस, बहुत बहुत मतलब बहुत लोगों के आंसर आए हैं, तो मैं अभी सारे आंसर्स चेक नहीं करते बैठ सकता, बट स्टिल बहुत लोगों को विजुअलाइज हो रहा है, अच्छी बात है। देखो गाइस, तुम लोगों को और कुछ नहीं, मैचेस को विजुअलाइज कर रहे हैं, तो मैं तुम लोगों को अगेन ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखो मैच स्टिक कैसे दिखती है, मैच स्टिक विल लुक लाइक दिस, ये इधर ऐसा ऐसा, अरे मुझे बताओ इसमें ए और बी इनकी लेंथ सेम है क्या? बिल्कुल नहीं। और ये इधर से भी इसकी जो लेंथ रहती है वो भी बहुत डिफरेंट रहती है। गाइस दिस इज द मैचेस बॉक्स, एंड ये मुझे बताओ किसी भी चीज एंगल से तुम लोगों को इवन लग रहे हैं क्या? इसमें हर एक एंगल 90 डिग्रीज का रहने वाले, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्रीज, पर इसमें अल्फा बीटा और गामा इनकी वैल्यूज, अल्फा बीटा और गामा इनकी वैल्यूज सेम है, बट ए बी और सी दे आर नॉट इक्वल्स, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा विच इज इक्वल्स टू गामा विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझ में आ रहे हैं? ठीक है, तो एग्जाम में तुम लोगों को अभी तक जो क्वेश्चन आया है वो ऐसे आया था, बट क्या भरोसा वो नेक्स्ट टाइम ऐसे मैचस्टिक बॉक्स दे दे, या फिर समझ लो उसने चीज क्यूब दे दिया, चीज क्यूब। अब अमूल का ही सोचना, ठीक है, अमूल का सोचना, नहीं तो तुम लोग को किसी और ब्रांड का सोचोगे, अमूल का चीज क्यूब। तो मुझे बताओ चीज क्यूब कौन से शेप का, कौन से लैटिस में आएगा? वो अमूल का जो चीज क्यूब आता है, तुम लोगों ने देखा है, वो 8 रुपए का मिलता है, ऑर्थोनॉमिक नहीं है वो। ओके, अजिंक्य करेक्ट है, प्रणव करेक्ट है। अरे नाम में ही क्यूब मत जाओ, नाम क्यूब के नाम पे मत जाओ। प्रणव करेक्ट आंसर है, सिद्धि का करेक्ट आंसर है, अरे सिद्धि का नहीं, सिद्धि करेक्ट आंसर है, एथ करेक्ट आंसर है। ओके, निहारिका, आदित्य करेक्ट आंसर है, शुभांगी करेक्ट आंसर है, अनेश, सोहम, तुहिन, मानस, अश्वत, नागसेन करेक्ट है, यश करेक्ट आंसर है। ओके चलो, बहुत लोगों के आंसर आया और बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। गाइस चीज क्यूब ना, वो अमूल का चीज क्यूब कैसे रहता है, एग्जैक्टली स्क्वायर शेप का रहता है, याद है, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर शेप का ही रहता है वो, इसका शेप ऐसे स्क्वायर रहता है। एंड सिर्फ उसमें ऐसा, बट अंदर की तरफ वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहता, अंदर की तरफ ऐसे छोटू सा रहता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आई होप तुम लोगों को मेरी भावनाएं पहुंच रही है, ठीक है, तो बस ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग क्या बोलोगे कि भाई ए और बी जो है दोनों सेम है, बट सी इज नॉट इक्वल, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा विच इज इक्वल्स टू गामा विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, ठीक है। तो चलो लिख दो, ये कंप्लीट कर दो। एग्जाम में अमूल लिख के आएगा, अरे ये जैसे मैंने क्वेश्चन के लिए बोल दिया तुम लोगों को, एग्जाम में तुम लोगों को मैथमेटिक्स के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, उसके बाहर से तो नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है। ओके एंड गाइज चलो, इनकी यूनिट सेल्स की टाइप लिख देते हैं। अब यूनिट सेल की टाइप एंड ऑल तुम लोगों को उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, बट पैरामीटर्स के ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस है, ठीक है। तो प्लीज लेक्चर लेफ्ट मत करना मुझे, इसके बाद तुम लोगों को थोड़े बहुत मतलब जो एप्लीकेशन मेरे पास है उसके ऊपर थोड़े बहुत थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ठीक है। तो क्यूबिक, यप ये चैप्टर टाइम पास है ना, आई नो। तो यहाँ पे हाँ, तुम लोगों को मैं डायग्राम ड्राइंग भी बताऊंगा जो मैंने ड्रॉ की थी, शायद से मैंने बताया भी होगी तुम लोगों को। ओके तो यहाँ पे तुम लोगों को तीन टाइप के यूनिट सेल मिलते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड एफसीसी, ठीक है। टेट्रागोनल के अंदर तुम लोगों को सिर्फ दो ही टाइप के यूनिट सेल्स मिलते हैं, एक मिलती है एससीसी और दूसरी मिलती है बीसीसी, ठीक है। तो कितने टाइप की यूनिट सेल यहाँ पे? तीन। यहाँ पे कितनी? तो दो, ठीक है।
ऑर्थोरॉम्बिक में तुम लोगों को चार टाइप की यूनिट सेल्स मिलती है, एक मिलती है SCC, BCC, FCC एंड फोर्थ वन इज एंड सेंटर्ड। हो गई टोटल चार टाइप की यूनिट सेल्स। एंड मोनोक्लिनिक में तुम लोगों को दो ही टाइप की यूनिट सेल्स मिलती है, एक रहती है SCC और दूसरी रहती है एंड सेंटर्ड। ठीक है, यहाँ पे दो ही टाइप की है। एंड बाकियों में तुम लोगों को सिर्फ एक ही टाइप की यूनिट सेल मिलती है, SCC. गाइस, SCC इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिमिटिव, ये मत भूलना। ठीक है, SCC को ही हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। तो चलो, ये जस्ट लास्ट का टाइम, लास्ट का पार्ट है जो खत्म कर दो, एंड देन आई एम आस्किंग योर लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद तुम लोगों को एप्लीकेशन पे टाइम पास ही करवाने वाला हूँ। तो हाउ मेनी ब्रेवियस लटाइसिस कैन एग्जिस्ट? ठीक है, टोटल हाउ मेनी ब्रेवियस लटाइसिस कैन एग्जिस्ट, टोटल कितने रहती है? टोटल कितनी रहती है? वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। टोटल 14 है, इनके एडिशन करो, 3 + 2 = 5, 5 + 4 = 9, 9 + 1 = 9 + 2 = 11, 11 = 12, 13 = 14। तो टोटल 14 ब्रेवियस लटाइसिस कैन एग्जिस्ट। ठीक है, टोटल कितनी रहती है? 14। यहाँ पे एक 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 रहते हैं, मैंने यहाँ पे लिख के नहीं दिया था, तो एक एक और एक, इन सब के एडिशन करोगे तो टोटल 14 है। ठीक है, तो चलो कंप्लीट दिस, कंप्लीट कर दो इसे। थ्री डी स्पेस में लैटिस पॉइंट की पोजीशन जब डिफाइन तो होनी ही चाहिए। अगेन गाइज, हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक स्टडी करने वाले हैं, और एक ही एग्जाम्पल में जो कि बहुत रेयरली आएगा, हेक्सागोनल आएगा। हेक्सागोनल की मुझे डायग्राम तुम लोगों को बना के देनी थी, बट अभी इतने कम टाइम लिमिट में नहीं हो पाएगा, तो मुझे लेक्चर एक्सटेंड नहीं करना है जैसे मैंने तुम लोगों को बोला। तो नेक्स्ट टाइम मैं हेक्सागोनल के डायग्राम से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो ओके गाइज, नाउ आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, माई मोबाइल स्क्रीन विद यू गाइज। तो ओके, पहले मुझे एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। तो कोई भी लेफ्ट नहीं करेगा मीटिंग अभी, तो मतलब तुम लोगों को कुछ पढ़ना है ही नहीं, सिर्फ देखना है ना। तो ओके गाइस, तुम लोगों को एप्लीकेशन का नाम दिख गया होगा, सॉलिड स्टेट 3D इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन। एंड यहाँ पे तुम लोगों को अभी के लिए टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ही देखनी है। तुम लोग एप्लीकेशन अगर डाउनलोड भी करोगे तो टाइप ऑफ यूनिट सेल ही देखना। नाउ टेल मी गाइस, व्हिच टाइप ऑफ यूनिट सेल इज दिस? ये कौन सा टाइप की यूनिट सेल है? नहीं, मुझे नोटिफिकेशन बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ मैसेजेस नहीं आते मुझे तो तुम लोगों के सामने मुझे छुपाने पड़े। तो ये क्यूबिक है, करेक्ट बोल रहे हो, ये क्यूबिक टाइप की यूनिट सेल हो गई। अब गाइज, अब देखो, मैंने तुम लोगों को क्या बोला था, ये सारे एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं, दिख रहा है ये टच करते हुए, समझ में आ रहा होगा गाइज। तुम लोगों को यहाँ पे बीच में बहुत बड़ा स्पेस दिख रहा है, बीच में बहुत बड़ा स्पेस दिख रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ वॉइड, उसे हम लोग बोलते हैं वॉइड, जहाँ पे कुछ भी नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताओ इसकी पैकिंग एफिशिएंसी बहुत डेंसली पैक्ड है या बहुत लूजली पैक्ड है? लूजली पैक्ड है। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी इज वेरी लेस, तुम लोगों को ये देख के ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एंड अभी इसको कट करते हैं साइड से गाइस, वो 1/8 पार्ट समझ में आ रहा है तुम लोगों को, 1/8। अब इन सारे पार्ट्स को, मतलब तुम लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और खुद विजुअलाइज करना कि इन सब पार्ट्स को तुम लोग फ्लिप कर रहे हो, फ्लिप करोगे तो अंदर की तरफ चले जाएगा एंड तुम लोगों को एक कंप्लीट सर्कल बनेगा। मतलब इस एप्लीकेशन में ऐसा एनिमेशन और रहना चाहिए था कि उसको फ्लिप कर रहे हैं और पूरा एक सर्कल बन रहा है, और अभी तुम लोगों को ये खुद से विजुअलाइज करना पड़ेगा। ऐप का नाम है सॉलिड स्टेट 3D, तुम लोगों को ये एप्लीकेशन की लिंक चाहिए तो मैं ग्रुप पे बाद में दे दूंगा। ठीक है, तो हाँ, सर्कल नहीं स्पीयर बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, विच टाइप ऑफ यूनिट सेल इज दिस? ये कौन सा टाइप की यूनिट सेल है? BCC, करेक्ट बोल रहे हो, अरे BSC नहीं, BCC। तो अब इसे जूम आउट करते हैं, अरे रुको रुको, हाँ अब मुझे बताओ BCC में कॉर्नर के एटम्स एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे क्या? BCC में कॉर्नर के आइटम्स एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो मुझे बताओ कॉर्नर के आइटम्स किसे कनेक्ट करेंगे? वो सेंटर को करेंगे, जिन्होंने यस बोला था
याद रखो कॉर्नर वाले एटम सेंटर को करेंगे, इसलिए मैंने वो एनिमेशन रोक दिया बीच में ही, क्योंकि मुझे तुम लोगों को पूछना था। देखो ये जब एक्सपांड हो रहे हैं तो कॉर्नर के दो एटम्स एक दूसरे को कनेक्ट नहीं है, कॉर्नर के सारे एटम्स सेंटर वाले को कनेक्टेड है एंड उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। गाइस याद रखो बीच में जो यूनिट सेल दिख रही है वो ऐसा एक्चुअली नहीं रहता, ठीक है, वो जस्ट इमेजिनरी है, वो जो हम लोग लाइंस बनाते हैं यूनिट सेल की वो इमेजिनरी रहती है, एटम्स ऐसे पैक्ड रहते हैं सर, ठीक है। अब कट कर दो तो देखो बीच वाला एटम पूरी तरह से यूनिट सेल के अंदर ही है एंड बाहर वाले कॉर्नर वालों का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, तो 1/8 इंटू 8 1 हो गया कॉर्नर वाले, और बीच में सेंटर तो टोटल 2 हो गए। एनी डाउट? अब ये कौन सा है? FCC, करेक्ट बोल रहे हो। अब मुझे बताओ FCC में कॉर्नर वाले एटम्स एक दूसरे को टच करेंगे क्या? FCC में कॉर्नर वाले एटम्स एक दूसरे को टच करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो मुझे बताओ कॉर्नर वाले एटम्स किसे टच करेंगे? कॉर्नर वाले एटम्स किसे टच करेंगे? फेस वाले एटम्स को। करेक्ट बोल रहे हो। अब मुझे बताओ फेस वाले एटम्स एक दूसरे को टच करेंगे क्या? फेस वाले एटम्स एक दूसरे को टच करेंगे क्या? वो भी नहीं करेंगे। करेक्ट बोल रहे हो। तो यहाँ पे याद रखो कॉर्नर वाले भी नहीं करते हैं, फेस वाले भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, बीच में थोड़ी सी गैप रहती है जो खाली रहती है, ठीक है, सेंटर में कुछ है ही नहीं एक्चुअली यहाँ पे, तो ये बीच में सेंटर में जो है वो एक छोटी सी खाली स्पेस रहती है, नहीं दिख पाएगा आई गेस यहाँ पे, नहीं दिखेगा, बट बीच में छोटी सी खाली स्पेस रहती है, ठीक है। अब मुझे बताओ गाइस, मतलब अभी तुम लोगों को थोड़ा अपना खुद का दिमाग यूज कर रहे हैं, मुझे बताओ कॉर्नर वाले आइटम्स अगर निकाल दूं तो कौन सा शेप बनेगा? अभी तुम लोगों को खुद का दिमाग यूज करना है, मैं डायग्राम यूज करके मतलब डायग्राम बना के नहीं दिखाऊंगा, डायग्रामेटिकली नेक्स्ट लेक्चर में चाहिए तो बता दूंगा। अगर कॉर्नर वाले एटम्स निकाल देंगे तो कौन सा शेप बनेगा यार? तुम लोग है ना, मतलब कौन से ज्योमेट्री का शेप बनेगा? कौन से ज्योमेट्री का शेप बनेगा? कॉर्नर वाले एटम्स अगर निकाल दोगे तो कौन से ज्योमेट्री का शेप बनेगा जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में पढ़ा है? हाँ हिमांशु करेक्ट है आंसर, कौन से ज्योमेट्री का शेप बनेगा? सोचो सोचो। तो गाइस यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, करेक्ट बोल रहे हो यश, तुम लोगों को यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल मिलेगा। गाइस देखो अच्छे से देखो, कॉर्नर वाले एटम्स अगर निकाल दोगे तो तुम लोगों के पास 6 एटम्स बच रहे हैं, फेस 6 है ना। गाइस आर यू गेटिंग इट? क्या हुआ ये, कुछ तो हो गया न्यू। तो टोटल एटम्स कितने हैं? 6 है हम लोगों के पास। तो 6 एटम लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे, कौन सी ज्योमेट्री बनती है? ऑक्टाहेड्रल बनती है। आर यू गेटिंग इट? ये मैं तुम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा डायग्राम निकाल के, बट ओरली मतलब तुम लोग जितना विजुअलाइज कर पाओ उतना अच्छा है इस चैप्टर में, ठीक है। एंड ये दिख रहा होगा अभी तुम लोगों को एग्जैक्ट हाफ, कुछ लोगों को हाफ कैसे होता है वो नहीं समझ में आ रहा था, तो यहाँ पे अभी एग्जैक्ट तुम लोगों को हाफ शेप दिख रहा होगा, आधा अंदर है आधा बाहर का कट हो गया, ठीक है। तो गाइस बस ये इतना ही टाइम पास है इस एप्लीकेशन में, एंड बाकी तो हम लोग एडवर्टाइज स्टार्ट हो गई है, सॉरी लेट मी स्टॉप दिस शेयर। ओके तो हाँ, तो गाइस वे विल स्टॉप हो ये, जिन लोगों को जस्ट वो डायग्राम टाइम पास के लिए देखनी है दे कैन स्टॉप, दे कैन वेट, एंड जिन लोगों को मीटिंग लीव करनी है यू गाइस कैन लीव, ठीक है। तो ओके फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग। You can make me.